गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा बेटा लास्ट क्लास की हम बात कर रहे हैं लिमिट के अंदर. हमारा क्वेश्चन जो चल रहा था 66 क्वेश्चन नंबर, बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया था. क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. हमारा क्वेश्चन क्या था? ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन इजकल टू 2n+1, ए एन बी एन बी एन सी एन सी एन ए एन इजकल टू 2n-1, ए एन बी एन सी एन इजकल टू 1. और बेटा आपको एग्जामिनर बोल रहा है कि ए एन बी एन से छोटा है और बी एन सी एन से छोटा है. ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड लिमिट एन गोज टू इनफाइनाइट एन इंटू ए एन. ठीक है ना. तो बेटा पहली बात तो क्वेश्चन देखने में बच्चा कंफ्यूज रहा है कि सर करना कैसे, क्योंकि मुझे ए एन ही नहीं पता. ए एन पे कंडीशन तो दे रखी है बट मुझे ए एन नहीं पता. ठीक है ना. तो बेटा पहली बात तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो देखो मैंने लिखा हुआ है, इट्स गिव द फीलिंग ऑफ क्यूबिक इक्वेशन. पहला क्या हुआ है? समेशन ऑफ थ्री रूट्स ए प्लस बी प्लस सी. दूसरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब समेशन ऑफ अल्फा बीटा, समेशन ऑफ अल्फा, समेशन ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा. क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब बेटा ये जो तीन चीजें हैं बेटा वो मुझे क्या दे रही है बेटा? एक क्यूबिक इक्वेशन प्रोवाइड कर रही है एक्चुअल में. क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? इसका मतलब मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? अल्फा क्यूब माइनस समेशन ऑफ, याद है ना, माइनस समेशन ऑफ अल्फा दैट इज 2n+1. हां जी, दैट इज 2n+1. तो किधर आ गया? हाँ, माइनस समेशन ऑफ अल्फा दैट इज 2n+1 एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ अल्फा बीटा दैट इज 2n-1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. क्लियर? तो बेटा ये मेरे पास क्या आ गए? क्यूबिक इक्वेशन आ गए. ठीक है ना. अब बेटा इसके तीन रूट्स हैं a1 an bn और cn. बेटा इसके रूट्स हैं. ठीक है ना. तो बेटा ट्राई करते हैं क्या इसके कुछ रूट्स निकलना पॉसिबल है क्या. क्योंकि देखो अगर एक बात ध्यान से आप देखो तो अगर मैं इसमें वन डालता हूं, देखो ये दोनों चीज सेम सेम है. एन मेरा कट सकता है. अगर आप ध्यान से देखो वन डालने पे एन मेरा टू एन मेरा कट जाएगा, वन से वन कट जाएगा. और ये क्या हो जाएगा? हाँ जी, ये वन से ये वन कट जाएगा. क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर मैं इसमें वन डालता हूं तो ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा टू एन, ये आएगा टू एन, ये आएगा माइनस वन, ये आएगा टू एन, ये आएगा माइनस वन और ये आएगा वन. तो ये वन और ये वन टू हो गए और ये प्लस टू और ये माइनस टू कट गया और बेटा टू एन टू एन कट गया. इसका मतलब बेटा एक्स माइनस वन इस इक्वेशन का एक रूट है. क्लियर? एक्स माइनस वन इस इक्वेशन का एक रूट है. ठीक है ना. अब बेटा फैक्ट, अब क्या करूंगा? एक्स माइनस वन इक्वेशन का रूट है, मतलब मुझे दूसरी इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी. क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा बेटा, तो डिवाइड कैसे करूंगा? या फिर तो आप इस पूरी इक्वेशन का जो मैंने ओपन कर दिया है, एक्स क्यूब माइनस टू एन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एन एक्स माइनस एक्स प्लस वन, इससे एक्स माइनस वन का डिवाइड कर दीजिए. या फिर जो तरीका बेटा मैंने आपको पहले बताया था कि बेटा एक्स माइनस वन तीन बार लिखो, क्यूबिक है. हाँ जी, तीन बार लिखो. उसके बाद देखो बेटा कि मुझे, मैं एक्स माइनस वन से क्या इंटू करूं कि मुझे एक्स क्यूब मिल जाए. क्या इंटू करूंगा बेटा? एक्स स्क्वायर का. तो बेटा मुझे यहां से क्या मिल गया बेटा? इधर से मुझे मिल गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. मिला नहीं मिला? किधर से? इधर से. अच्छा, अब स्क्वायर में मेरे पास क्या था बेटा? मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एन एक्स माइनस टू एन एक्स स्क्वायर था. ये तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, ये मिल गया. क्या बचा? ये बचा. ठीक है ना. अब मुझे बचाओ, मैं एक्स माइनस वन से क्या इंटू करूं कि मुझे टू एन एक्स स्क्वायर मिल जाए. तो मैं किससे इंटू करूंगा बेटा? टू एन एक्स से. अगर बेटा टू एन एक्स का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मुझे क्या मिला? माइनस टू एन एक्स स्क्वायर. ठीक है ना. माइनस माइनस ये हो गया मेरा प्लस, प्लस टू एन एक्स. क्लियर? अब देखो बेटा, 2nx मुझे मिल चुका है, ये मुझे मिल चुका है, 2nx मुझे मिल चुका है, मेरा माइनस एक्स प्लस वन बाकी है. तो मैं क्या करूंगा लास्ट में? माइनस वन से मल्टीप्लाई. तो बेटा ये मेरा फैक्टर आ गया. क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ऊपर वाली से अगर मैं x माइनस वन कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिला? x माइनस वन कॉमन, अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस वन. ठीक है. अब बेटा ये मेरे पास इक्वेशन आ गए. ठीक है ना. तो मेरे पास ए वन थी, बी वन था, ए वन ए एन था, बी एन था, सी एन था. एक तो मेरा वन आएगा बट मुझे ये नहीं पता कौन सा आएगा. ठीक है. तो पहले मुझे सभी रूट्स को निकालना पड़ेगा. ठीक है, निकाल लेते हैं बेटा. पहली बात तो बेटा अभी फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो सीधी सी बात है, सीधी धराचार लगाऊंगा. धराचार बाबा वो क्या बोलते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. तो माइनस बी मतलब टू ए, टू एन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज टू एन का होल स्क्वायर फोर एन स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट इज फोर इंटू माइनस वन दैट इज प्लस फोर. क्लियर बेटा, फोर कॉमन आ गया, मेरे पास दो फैक्टर आ गए. फोर कॉमन आते टू, टू कट गया. अब देखो बेटा मेरे पास क्या बचा? मेरे पास आया x इक्वल टू, एक तो आया n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस वन, दूसरा आया बेटा n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस वन. आया नहीं आया? अब देखो बेटा यहां से मुझे x मिला था वन. क्या मिला था बेटा? यहां से मुझे x मिला था वन. ठीक है ना. इसकी बात मैं करूं बेटा तो n और n स्क्वायर प्लस वन से कौन सा बड़ा बेटा? n स्क्वायर प्लस वन बेटा मेरा n से बड़ा. n स्क्वायर प्लस वन बेटा मेरा किससे बड़ा? n से बड़ा. और बेटा अगर ये n से बड़ा, अगर ये n से बड़ा तो बेटा ये ओवरऑल क्या हो गया? नेगेटिव हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब ये तो पक्का है कि ये बंधु वन से छोटा होने वाला है.
वन से छोटा होने वाला है। अच्छा ये प्लस में, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये प्लस में तो पॉजिटिव रहेगा, क्लियर। अच्छा एक बात और समझना, अब प्रॉब्लम ये कि ये तो पता पड़ गया ये इससे छोटा है, बट इन दोनों में कौन सा छोटा है कैसे पता पड़ेगा? तो बेटा सिंपल सी बात, ये वन है, अगर एन दोनों एन जीरो होते तो मुझे यहां से वन मिलता। क्या समझ में आ रहा है यार? अगर दोनों एन जीरो होते तो यहां से वन मिलता, और मैं जानता हूं एन मेरा जीरो नहीं है, इसका मतलब ये जो भी क्वांटिटी आएगी बेटा वो कम से कम वन से तो बड़ी आएगी, आएगी नहीं आएगी? इसका मतलब ये मेरा लार्जेस्ट, ये मेरा लार्जेस्ट, ये मेरा वन और ये मेरा स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। तो बेटा ये क्या हो गया, ये बेटा मेरा हो गया ए एन, ये हो गया मेरा बी एन, और बेटा ये हो गया मेरा सी एन। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मुझसे पूछ क्या एग्जाम ने, मुझसे पूछा लिमिट एन गोज टू जीरो एन इंटू ए एन, ए एन की वैल्यू एन माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन, क्लियर। बेटा ध्यान रखना ये चीज पैराग्राफ में भी एग्जाम ने पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि बेटा इससे हमारे ए एन बी एन सी एन तीनों ही निकले हैं, ठीक है ना। तो पैराग्राफ के फॉर्म में पहले कंडीशन ए एन पे डाल के पूछ सकता है, उसके बाद बी एन पे डाल के पूछ सकता है, ठीक है ना, और चाहे तो ए एन बी एन को कंबाइंड करके भी पूछ सकता है, ठीक है। बट हमारा पे बेसिक काम था कि ए एन और बी एन निकलना, ए एन बी एन निकल गया तो बेटा मेरा आधे से ज्यादा काम हो जाएगा, क्लियर। तो बेटा देखिए, अगर तो फॉर्म कौन सी आ रही है बेटा, ये आ रहा है इन्फिनिटी, अच्छा ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, तो मुझे क्या मिला, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, क्या करूंगा, रेशनलाइज, बताया था ना, हाँ जी रेशनलाइज कर दिया बेटा। रेशनलाइज करते हुए नीचे मुझे क्या मिल गया, n इनटू ऊपर मिला n स्क्वायर माइनस 1, नीचे क्या मिला n प्लस अंडर रूट n n स्क्वायर प्लस 1, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि रेशनलाइज का मतलब इसकी प्लस की फॉर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, नीचे तो प्लस की फॉर्म आ गई, ऊपर इसको होल स्क्वायर बना दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना दिया, तो बेटा ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब बेटा देखो ऊपर डिग्री क्या बची बेटा, ऊपर डिग्री बची है 1 और नीचे डिग्री भी क्या बची है 1, तो आंसर क्या होगा, डिग्री अपॉन डिग्री, सॉरी कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट। ऊपर कोफिशिएंट कितना है माइनस 1 है, नीचे कितना है इसका तो 1 प्लस इसका रूट 1, तो बेटा मेरा आंसर कितना आ गया माइनस 1 अपॉन, कितना आ गया माइनस 1 अपॉन 2 जो आपको इधर दे रखा है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन फिर से मिक्स था, लिमिट और आपकी बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन को बेटा हमने यूज किया था, या बोले रूट थ्योरी क्वाड्रेटिक का हमने मिक्स करके क्वेश्चन दिया था, क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीक्वेंस ए एन माइनस वन वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये लिमिट प्लस सीक्वेंस सीरीज का है, इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड डी इज ए कॉमन डिफरेंस, इफ लिमिट एन गोज टू डिफरेंस इन्फिनिटी 1 माइनस डी अपॉन ए वन स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन ए ए टू स्क्वायर 1 माइनस डॉट 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 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन ए एन स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, ये स्क्वायर ही है, ध्यान रखना। हाँ जी इस कन्वर्ट्स टू 1/2, मतलब बेटा इसकी जब मैं लिमिट निकाल रहा हूं तो बेटा उसकी वैल्यू मुझे 1/4 मिल रही है, क्या मिल रही है 1/4 मिल रही है। a1 मुझे 8 दे रखा है और बेटा एग्जामिनर मुझसे फाइंड वैल्यू ऑफ d पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ d, ठीक है। तो पहली बात तो इसको हम समेशन फॉर्म में लिख दें, मैंने कहा था कि कभी भी अगर बड़ा दे रखा है तो छोटा कर दो, छोटा दे रखा है तो बड़ा कर दो, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये प्रोडक्ट में जा रहा है तो क्या करूंगा पाई लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा पाई, तो मुझे क्या मिल जाएगा लिमिट एन गोज टू इनफाइनाइट के इज इक्वल टू 1 टू n 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन ए के स्क्वायर, मिलेगा। देखो के 1 डालो 1 आ गया, 2 डालो 2 आ गया, 3 डालो 3 आ गया, पाई का मतलब इनमें आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे एक मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, ध्यान रखिएगा क्या होगा, व्हेनेवर यू सी लिमिट के बाद अगर आपको कभी भी पाई मिलता है, मतलब लिमिट के अंदर अगर कभी भी आपको पाई लिखता है, देन अचीव टू ब्रैकेट, मतलब आपको किसी भी तरह से इस एक फंक्शन को दो ब्रैकेट में तोड़ लेना है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी भी अगर लिमिट के अंदर आपको पाई मिलता है तो आपको एक ब्रैकेट को दो ब्रैकेट में तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है, अगर बेटा मैं इसका एलसीएम कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा ए के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या इसके फैक्टर कर सकता हूं, ऊपर वाला तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा ए के प्लस डी अपॉन ए के और ए के माइनस डी अपॉन ए के, क्या मुझे दो ब्रैकेट मिले नहीं मिले, एक ब्रैकेट ये रहा और दूसरा ब्रैकेट ये रहा, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मीनिंग ये होता है कभी भी अगर आपको पाई दिख जाता है लिमिट के अंदर तो बेटा सिंगल ब्रैकेट को दो ब्रैकेट में ब्रेकअप कर लो, क्या कर लो दो ब्रैकेट में तोड़ लो, ठीक है। उसका फायदा क्या होगा अभी देखना, क्या पता क्या क्या फायदा होगा, ठीक है। हाँ जी जरा देखना बेटा, मैं जानता हूं ए के, भाई ए के मेरा एक नंबर था, कोई नंबर है, ठीक है। अगर बेटा मैं उससे कॉमन डिफरेंस माइनस कर दूंगा तो प्रीवियस नंबर दे देगा, ए के माइनस वन दे देगा, और अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो ए के प्लस वन दे देगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब बेटा ये क्या लिखा हुआ है, बेटा ये लिखा हुआ है लिमिट एन गोज टू जीरो के इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए के के एन माइनस वन के ए के एन प्लस वन, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब
अब इसको वापस ओपन कर दो। अब बेटा अगर मैं इसको वापस ओपन करूंगा तो पहले से ओपन कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, a1 a0 a2 a1 a3 a4 डॉट 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 चलता जाएगा। अब बेटा देखो ये वाला डिनोमिनेटर अपनी अगली टर्म को काट रहा है, ये डिनोमिनेटर अपनी अगली को काटेगा, ये अपनी अगली को काटेगा। इसके बाद करूंगा क्या डिनोमिनेटर आगे कुछ काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, कोई टर्म ही नहीं है। ये अपने प्रीवियस को काट देगा, ये कट जाएगा, मतलब यहां पे मुझे क्या मिलेगा a0 अपॉन a1, ठीक है ना। अच्छा चलो इसकी बात करते हैं, इसमें क्या मिलेगा a2 अपॉन a1 a3 अपॉन a2 डॉट 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 an प्लस 1 अपॉन an। इसमें बेटा ऊपर वाली टर्म अपनी आगे की पिछली टर्म को काट रही है, ठीक है ना, ये इससे अगले ही काटेगी। तो बेटा ये इससे आगे टर्म का काटना चाहिए था ऊपर वाला, बट आगे टर्म तो है नहीं है, तो उसके नीचे वाला है बेटा वो अपनी प्रीवियस टर्म को काट देगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, मिलेगा बेटा मुझे ए एन प्लस वन अपॉन ए वन। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, इसको फिर से रीअरेंज कर दे, a0 a1 को एक साथ, an प्लस 1 और an को एक साथ लिया हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, ये मेरा एक साथ आ गया और बेटा ये मेरा एक साथ आ गया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? सर क्यों किया, सर क्यों किया? बेटा सीधी सी बात ये है कि वेरिएबल्स को कम करने के लिए, क्योंकि an प्लस 1 में और an में आपस में रिलेशन रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? हाँ जी, क्योंकि बेटा मुझे a1 तो पता है, देखो मुझे a1 पता है, d मुझे निकालना है, तो बेटा मुझे पूरे फंक्शन को a1 और डी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? A1 और D में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और N पे तो बेटा मेरी लिमिट लगी रही है, ठीक है ना। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, A0 upon A1 as it is, बेटा इसको मैं क्या बोलूंगा, An plus 1 को An plus D, तो बेटा ये हो गया 1 plus D upon An, होगा नहीं होगा? अच्छा, An को बेटा अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे क्या मिला, A0 upon A1 plus bracket में 1 plus D upon A1 plus N minus 1 into D is equal to 1/4। ये मुझे एग्जामिनर ने दे रखा है, क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? अब जैसे ही बेटा n इन्फिनिटी जाएगा ये क्या हो गया, 0, 1 प्लस 0 1, 1 इनटू समथिंग 1 समथिंग, क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब बेटा d0 कितना था, d0 था बेटा मेरे पास a1 माइनस d, a1 कितना दे रखा है 1, तो बेटा मेरा d कितना आ गया, 6 आ गया। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जो कॉन्सेप्ट बेटा हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा, क्या लगा, एक अगर कभी भी हमको पाई दिखता है तो आपको पाई को दो ब्रैकेट में ब्रेकअप कर लेना है, ठीक है ना। जैसे अगला क्वेश्चन की बात कर रहे फिर से बेटा देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट n n इज इक्वल टू 3 टू इनफिनिट 1 माइनस 4 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां पे तो लिमिट लगी नहीं रही, बेटा लग रही है, n गोस टू इनफिनिटी है, देखो ध्यान से क्या है, n गोस टू इनफिनिटी है, ठीक है ना। तो पहली बात तो इसको ब्रैकेट में तोड़ो, मैंने आपसे कहा था, तो n स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट तोड़ दिया, n स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन इनफिनिटी जा रहा है, वैल्यूज डाल दी, n गोस टू इनफिनिटी, तो 3 डालने पे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, 1/3, 2/3, 3/5, 4/5, डॉट 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 चलता रहेगा। इधर क्या होगा, 5/3, 6/4, 7/5, 8/5, डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक है। अब बेटा देखो मेरे पास दो का डिफरेंस है, ये वाला 3 इससे कटा, ये वाला 3 इससे कटा, कटा नहीं कटा, तो बेटा डिनोमिनेटर की कितनी टर्म बची बेटा, 2 टर्म, तो बेटा ये मेरी 2 टर्म बच गई। तो लास्ट में न्यूमरेटर की कितनी टर्म बचेंगे बेटा, सॉरी स्टार्टिंग में न्यूमरेटर की 2 टर्म बची, तो लास्ट में डिनोमिनेटर की कितनी टर्म बचेंगी, फिर से 2 टर्म, तो 2 टर्म कौन कौन सी होगी, आखिरी टर्म तो n होगी और उससे पहले n माइनस 1, तो बेटा ये बच गया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इसमें बेटा देखो ऊपर वाली कट रही है, ये कटा, तो स्टार्टिंग में डिनोमिनेटर बचा, तो लास्ट में क्या बचेगा, न्यूमरेटर बचेगा, वो कौन कौन सा बचेगा बेटा, n प्लस 2 और n प्लस 1 और नीचे 2 इंटू 3। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ठीक है, वापस ये कॉन्स्टेंट तो निकल गया, कॉन्स्टेंट तो बेटा मेरा बाहर निकल गया, देखो 2 से ये कट गया 2 बार, तो 1/6 हो गया ये मेरा, ठीक है। अब अगर बेटा मैं ध्यान से देखूं तो लिमिट n गोज टू इनफिनिटी है और बेटा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, इक्वल बाय इक्वल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट, इधर n का कोफिशिएंट 1, नीचे n का कोफिशिएंट 6, आंसर क्या गया 1/6। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? तो पाई वाला कॉन्सेप्ट क्या देखा हमने, कि कभी भी अगर पाई हो लिमिट के अंदर तो ब्रैकेट को दो पार्टों में स्प्लिट अप कर दो, वो एक दूसरे को काटा पीट करना स्टार्ट कर देंगे, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, fx is equal to limit n goes to infinity summation n is equal to 1 to n, n इनफिनिटी जा रहा है, 1 to n है, ठीक है ना, k बोल दो, k is equal to 1 to n, इधर k डाल दो, ठीक है ना। हाँ जी, आई क्या बोल रहा है बेटा, 3n minus 1 sin cube x upon थ्री की पावर एन। बेटा देखो पहली बात तो मैंने आपसे कहा था कि समेशन आप कभी भी अगर आपके सामने आता है, ऑलवेज बेटा आपको दो ब्रैकेट में ही तोड़ना है। अगर आपको पहले सीक्वेंस चीज में भी याद हो तो बेटा मैं दो ब्रैकेट में तोला करता था, प्रोडक्ट था तो प्रोडक्ट के दो ब्रैकेट में, समेशन था तो समेशन के दो ब्रैकेट में, याद है? क्योंकि अगर प्रोडक्ट है तो ऊपर नीचे से काटेगा, ठीक है, और समेशन है
तो इसका फर्स्ट टर्म, उसका सेकंड टर्म, इसका फिर दो टर्म, दो दो टर्म बनेंगे और एक एक टर्म एक दूसरे काटती चली जाएगी। क्या क्लियर हुआ? नहीं तो बेटा ध्यान रखना, कभी भी अगर पाई आता है, दस सिग्मा आता है, तो बेटा आपको दो ब्रैकेट बनाने हैं, ठीक है। पाई में मल्टीप्लीकेशन में ब्रैकेट बनेंगे तो ऊपर नीचे से काटेंगे, ठीक है, और समेशन में प्लस माइनस में ब्रैकेट बनेंगे तो प्लस माइनस में काटेंगे। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ये बात ऑलवेज ध्यान रखना, ठीक है। अभी बेटा मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो मैं क्या सोचू कि ये दो ब्रैकेट बन जाए, तो बेटा एक्स क्यूब का फॉर्मूला याद कर लीजिए। साइन क्यूब आपके बहुत ज्यादा काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री लिमिट के उसके अंदर इंटीग्रेशन में, तो बहुत हैवीली यूज होने वाला है, तो इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन थ्री थीटा कितना होता है बेटा? मेरे पास होता है 3 sin θ - 4 sin³θ, होता ही नहीं होता, तो बेटा जरा बताना साइन क्यूब थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास? साइन क्यूब थीटा हो जाएगा बेटा मेरे पास 3 sin θ - sin³θ/4। क्या सभी को समझ में नहीं आया? इससे क्या होगा बेटा, मेरा ये फंक्शन होगा, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे ये फंक्शन पुट कर दूं, तो बेटा मेरा एक टर्म दो टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो भी एक प्लस है एक माइनस है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? जो मैं चाहता था, काटाबिटी स्टार्ट हो जाएगी। और बेटा रियलिटी है, लिमिट के अंदर समेशन या पाई देख के बच्चा डर जाता है कि सर लिमिट में पाई दे दिया, समेशन दे दिया, बल्कि पाई समेशन वाले सबसे इजी क्वेश्चन होता है। क्यों? सब कट पिट जाता है, लास्ट में एक या दो टर्म बचती है, बस क्वेश्चन खत्म है हमारा, ठीक है ना। बट इसमें सीक्वेंसी से कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं, थोड़ा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये तो मेरा एज इट इज रहेगा, ये मेरा एज इट इज अंदर वाले फंक्शन में अप्लाई कर दिया, तो बेटा थीटा कितना था मेरा? 3n। थीटा कितना था? 3n, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा सबसे पहले 3 × x / 3n माइनस साइन ब्रैकेट में 3x / 3n, होगा नहीं होगा, ठीक है। अब बेटा इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, बेटा जैसे मल्टीप्लिकेशन हुआ 3n, 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 3 कितना होगा? 3n इंटू साइज साइन x अपॉन 3n होगा। अच्छा इधर क्या होगा बेटा? इधर बेटा जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो बाहर तो यही रहेगा, अंदर बेटा ये इसकी n को काट के क्या कर देगा? n माइनस 1 कर देगा। करेगा नहीं करेगा? हाँ जी परफेक्टली दो टर्म बनी नहीं बनी, मैंने क्या कहा था? काटापिटी स्टार्ट, n को डालो काटापिटी स्टार्ट। जैसे मैं n डालूंगा 1, तो मुझे क्या मिलेगा? 3 sin x / 3। हाँ जी ये क्या मिलेगा? साइन एक्स, ठीक है ना। उसके बाद फिर 2 डालने पे क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा? एक्स साइन एक्स बाई 3 मिलता जाएगा। और अगला क्या होगा? एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब बाई एक्स बाई अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एक्स 3 क्यूब मिलेगा। 3 की पावर क्यूब साइन एक्स अपॉन 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर साइन एक्स अपॉन 3 स्क्वायर मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। और लास्ट में क्या मिलेगा बेटा? 3 की पावर एन साइन एक्स अपॉन 3n माइनस 3 की पावर n माइनस 1 साइन एक्स अपॉन 3 की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। अब जरा चेक करो बेटा, इसकी पहली टर्म देखो, ये दो टर्म थी, तो इसकी पहली टर्म से अगले टर्म की सेकंड टर्म से कट रही है, क्लियर। फिर इसकी पहली टर्म इससे अगले टर्म की सेकंड टर्म से कट रही है, ठीक है। तो क्या इसकी पहली टर्म क्या कटेगी? इससे अगले टर्म की सेकंड टर्म से कटेगी? नहीं कटेगी। अच्छा तो इसकी सेकंड टर्म किससे कटनी चाहिए थी बेटा? इससे पहले जो आ रही है उसकी टर्म से कटना चाहिए, बट इससे पहले कुछ है नहीं, तो बेटा यहाँ पे मेरा ये वाली टर्म बच जाएगी, क्लियर। लास्ट में बात करें, इसकी पहली टर्म आगे कटनी चाहिए थी, ठीक है, और ये टर्म पीछे कटनी चाहिए थी, तो बेटा ये वाली कट जाएगी, मेरे पास ये टर्म बच जाएगी। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो बेटा मेरे पास साइन में बचेगा क्या? 1/4 तो मेरा बाहर आ गया, लिमिट एन गोज टू इनफाइनाइट 3 की पावर एन साइन एक्स अपॉन 3 की पावर एन माइनस साइन एक्स बचेगा, नहीं बचेगा? हाँ जी अब काम की बात और समझे बेटा, बच्चा यहाँ पे भी कुछ सर साइन एक्स में कुछ है तो सही है तो ही नहीं। अरे बेटा एक्स मेरा कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल मेरा एन है, तो साइन एक्स तो एज इट इज बाहर निकल लेगा, अरे शांति से निकल लेगा भाई, प्यार से, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? देखो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं 3n को निकल के जाऊं तो 3n नीचे चला गया, तो 1/3n मिलेगा। बट प्रॉब्लम की बात ये x / 3n है, और यहां पे मुझे 1/3n मिला है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, और बेटा ये मैंने x से डिवाइड कर दिया, तो बेटा ये कितना दे गया बेटा? ये मुझे दे गया 1। तो आंसर क्या आ गया? 1/4 x sin x। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्यों? पहली बात तो सीरीज के अंदर कॉन्सेप्ट, पहला तो आपने साइन क्यूब का फॉर्मूला यूज किया, ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपने सीरीज को यूज किया, किसे? सीरीज को यूज किया। सेकंड कॉन्सेप्ट आपका सीक्वेंस सीरीज का आ गया, दोनों ही अच्छे कुछ कॉन्सेप्ट थे। और थर्ड कॉन्सेप्ट बेटा जो आपने यूज किया वो लिमिट का यूज किया, वो भी बहुत काफी कॉन्सेप्ट था कि मेरी लिमिटिंग कंडीशन वेरिएबल फंक्शन एन है ना कि एक्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बेसिक कॉन्सेप्ट जहां पे होता है वो जेई के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा?
हाँ जी, अगला देखिए बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट। अगला देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट। बेटा पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट निकली कैसे, ठीक है बेटा। देखो लास्ट ईयर जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई होगी तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो मेरा रियल फंक्शन होता है, मैंने आपसे कहा था कि साइन एक्स अपॉन एक्स जो मेरे पास साइन आता है वो पी अपॉन एच होता है, ठीक है ना। और साइन 90 डिग्री पे बेटा वन वैल्यू होती है तो पी इज इक्वल टू एच नहीं हो सकता, तो ट्राइंगल नहीं रहेगा, क्लियर हुआ नहीं। इसका मतलब जो ट्राइंगुलर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हम ट्राइंगुलर फंक्शन पढ़ते थे उसमें थोड़ी सी माइन्यूट सी एरर है। तो मैंने आपसे कहा था कि उसको रिकवर करने के लिए हमने एक नई डेफिनेशन दी ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि सर्कुलर सर्कल के ऊपर बेस्ड थी। किस पे बेस्ड थी? सर्कल के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है ना। और इसी वजह से बेटा कई बुक्सों में मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री को हम सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। क्या सभी को याद है? नहीं याद है? और एक बात फिर से मैं बोलूंगा, आपके जितने भी फॉर्मूले हमने प्रूफ किए थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए साइन बी, क्लियर हुआ नहीं हुआ, टू साइन ए कॉस ए, जितने भी फॉर्मूले थे बेटा मैंने सभी फॉर्मूलों का डेरिवेशन आपको सर्कुलर फंक्शन से ही दिया था। बेसिक डेफिनेशन सर्कुलर फंक्शन से निकला था और फिर उस फॉर्मूले के बेस पे हमने बाकी सभी फॉर्मूले प्रूफ कर दिए थे। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो बेटा इधर भी बेटा जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट निकालेंगे उसमें ही बेटा हमारा सर्कुलर फंक्शन ही यूज होगा, ठीक है ना। करने का तरीका सीखे, मैंने क्या किया बेटा, मैंने दो पॉइंट लिए ए और बी। अगर बेटा मैं दो पॉइंट ए और बी ले रहा हूं तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने उस पे ए बी को जोड़ने वाली एक लाइन खींची और ए बी पे बेटा मैंने दो टेंजेंट डाल दिए। क्या डाल दिए? दो टेंजेंट डाल दिए जो सी पे आपस में मीट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो कॉर्ड जो ए बी होगी, जो कॉर्ड ए बी होगी वो सबसे छोटी होगी, आर्क ए बी उससे बड़ा होगा और ए सी प्लस बी सी वो क्या होगा? उससे बड़ा होगा। क्या समझ में नहीं आ रहा? मतलब अगर मैं तीनों को ऑर्डर में लिखता हूं तो ए सी प्लस बी सी सबसे बड़ा, आर्क ए बी उससे छोटा और लास्ट में कॉर्ड ए डी होगा, नहीं होगा? अच्छा मुझे बेटा एंगल चाहिए था। अगर बेटा मैं इसको इससे कनेक्ट कर देता हूं तो बेटा ये एंगल को अगर मैं थीटा बोलता हूं, क्या बोलता हूं? थीटा बोलता हूं, तो बेटा मुझे बाय टू सभी करना पड़ेगा। तो बाय टू करते हैं कॉर्ड ए बी, कॉर्ड का हाफ इस पॉइंट को ई बोल दूं, क्या बोल दूं? ई। तो बेटा ये आ गया ए ई। अच्छा ये पॉइंट डी हो गया तो ये आ गया बेटा आर्क ए डी, और बेटा ये क्या हो गया? ए सी हो गया। अच्छा सर ए सी कैसे हुआ? बेटा दोनों कॉर्ड आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। सर कैसे होंगे? पता है क्या, एक बाबा आया था कि चला गया था सातवीं आठवीं क्लास में, नहीं नहीं सातवीं आठवीं नहीं, हाँ नवीं दसवीं में, बोल गया था कि कॉर्ड अगर बाहर, टेंजेंट अगर बाहर होती है तो ये इक्वल होती है, ठीक है, इक्वल टेंजेंट। और फिर हमने शायद इसको प्रॉपरली डेरिवेशन लेवल तो ये पढ़ा था शायद, ठीक है। तो इक्वल टेंजेंट होगी तो इस क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा, जो कि 2AC है, 2 से 2 कट गया, एसी हो गया, ठीक है ना। अब बेटा काम की बात समझना। मेरे पास क्या आ चुका है? बीई, कॉर्ड बीई और बेटा ये तीनों चीज आ चुकी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, अगर बेटा मैं तीनों को उनके रेडियस से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं? ओ ए से। किससे कर दूं? ओ ए से। तो ये आ गया बेटा, अच्छा मैंने ऑर्डर चेंज कर, मतलब उसी ऑर्डर में सिंबल चेंज कर दिए, ए को लेस देन है तो आगे लिख दिया है, ए को ग्रेटर देन पहले लिख दिया, ठीक है। ऑर्डर चेंज हुआ है तो साइन भी चेंज हो गया, ध्यान रख लेना, कंफ्यूज मत होना। तो ये हो गया ओ ए, ये हो गया ओ ए और ये हो गया ओ ए, होगा नहीं होगा? अब जरा बेटा ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल में ए सी अपॉन ए सी अपॉन ए ओ, ये मेरा 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? क्योंकि ये 90 तो ये परपेंडिकुलर, ये थीटा तो ये बेस, क्या होता है? टेन थीटा। तो बेटा ये कितना आ गया? टेन थीटा। आएगा नहीं आएगा? अच्छा आर्क अपॉन रेडियस कितना होता है? पढ़ा था ना, हाँ जी, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो बेटा ये कितना आ गया? थीटा आ गया, ठीक है। और बेटा अगर मैं अगले की बात करूं तो बेटा ये एंगल कितना होगा? 90 होगा। इस बार ये मेरा परपेंडिकुलर और बेटा ये मेरा हाइपोटेनियस, तो बेटा ये कितना आ गया? साइन थीटा आ गया। साइन थीटा आया? नहीं आया। हाँ जी ठीक है। अगर बेटा मैं अब तीनों को, क्योंकि पहले तो मैं ट्रायंगल बड़ा वाला लिया था, इस बार ट्रायंगल बेटा मैंने छोटा वाला लिया है, ठीक है ना। हाँ जी, अगर बेटा मैं अब तीनों पे बेटा अगर मैं लिमिट लगाता हूं तो बेटा मुझे क्या मिलेगा? थीटा से डिवाइड करता हूं तो टेन थीटा अपॉन थीटा इज ग्रेटर देन वन एंड साइन थीटा अपॉन थीटा इज लेस देन वन। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ठीक है। तो लिमिट अगर मैं पूरे पे लिमिट लगाऊंगा तो बेटा इन सब पे ही लिमिट लगेगी, अगर मैं पूरे पे लिमिट लगाऊंगा तो इन बेटा सब पे ही लिमिट लगेगी। तो बेटा थीटा जैसे जैसे जीरो को मूव करेगा तो यहाँ पे भी लगेगी, ठीक है ना। अब थीटा गोस टू जीरो का मतलब समझना बेटा, थीटा गोस टू जीरो का मतलब समझना। देखो मैंने ग्राफ क्या बनाया है कि बेटा अगर थीटा जीरो को जाएगा तो ये वाला पॉइंट पहले इधर होगा, फिर और पास जाएगा, फिर और पास जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? छोटा होता जाएगा। जा रहा है नहीं जा रहा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा बेटा ये जितना छोटा होते जा रहा है तो बेटा मेरा जो पॉइंट ए था वो भी क्या होता जा रहा है? देखो जब ये छोटा हुआ तो पॉइंट ए बेटा मेरा यहाँ आ गया, और छोटा हुआ तो बेटा पॉइंट ए मेरा यहाँ आ गया। आएगा नहीं आएगा? अच्छा अगर इस पर टेंजेंट बनी
तो ये जाएगा, इस पर टेंजेंट बनी तो ये जाएगा, दिख रहा है? तो पॉइंट सी मेरा क्या आ रहा है, क्या पास आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर पॉइंट थीटा मेरा मूव कर रहा है तो ए मेरा पॉइंट डी की तरफ जा रहा है, जा रहा है, और बेटा जो मेरा पॉइंट सी था वो भी कहां जा रहा है, डी की तरफ जा रहा है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो भाई मैंने लिखा यहाँ पे कि ए जो पॉइंट है बेटा वो किसकी तरफ जा रहा है, डी की तरफ जा रहा है, और सी पॉइंट कहां जा रहा है, डी की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा है तो ए अगर डी की तरफ जा रहा है तो थीटा के जीरो जाने पे एडी कहां जाएगा, जीरो जाएगा, नहीं जाएगा, और एसी भी कहां जाएगा, जीरो जाएगा, नहीं जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर? और बेटा अगर एडी, हाँ जी, क्या सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? किधर थे हम? हाँ जी, किधर थे? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये सभी क्या जा रहा है, इसका मतलब बेटा जैसे जैसे थीटा मेरा जीरो जा जाएगा ये सभी पॉइंट एक लाइन पे ही ओवरलैप कर जाएंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो बेटा उस केस में tan थीटा पर थीटा कितना जाएगा, वन आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि tan थीटा भी जीरो जा रहा है, थीटा भी जीरो जा रहा है, तो बेटा लॉग बेटा लगा सकते हैं, और बेटा यहां से मैं क्या बोल दूंगा, tan थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? क्योंकि अप्रोक्सीमेटली जीरो जाने बेटा को क्या आ रहा है, देखो आपको याद हो तो सैंडविच थ्योरम में आपको क्या बोली थी कि अप्रोक्सीमेटली जीरो जाने पे ये दोनों आपस में इक्वल हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये 1 के बराबर इनको होना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल जीरो जा रहा है, ये बिल्कुल जीरो जा रहा है, दोनों इक्वल हो जा रहे हैं ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो खुद सोचना कि जब दोनों इक्वल जा रहे, देखो साइन थीटा मैंने क्या बोला था, दोनों का बेस तो OA था, डिफरेंस किसमें था बेटा, डिफरेंस था बेटा AE में और AC में, AE में और AC में। जैसे जैसे A मेरा D के पास जाएगा, E कहां जाएगा, D के पास, और C भी कहां जाएगा, D के पास, और अगर दोनों ही D के पास जाएंगे तो बेटा जो AE था, जो AE था और जो AC था, क्या दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं होते जाएंगे क्या? क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? AE भी कहां जाएगा बेटा, D की तरफ जाएगा, AD की तरफ जाएगा, AD की तरफ, D की तरफ जाएगा, मतलब ये जो दूरी थी E कहां जाएगा, D की तरफ। इसका मतलब मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि जो E वाला पॉइंट है, वापस बोल रहा हूं कि जैसे जैसे मैं A को नीचे लेके आऊंगा, A मेरा जब यहां पे आएगा तो ये टेंजेंट बनेगी तो E पॉइंट बेटा मेरा ये होगा, ठीक है, और कॉर्ड ये बनेगी तो C पॉइंट बेटा मेरा ये होगा, होगा नहीं होगा? मतलब जो मेरे पास E पॉइंट है, E पॉइंट कहां जाएगा, D की तरफ, और C पॉइंट भी कहां जाएगा, D की तरफ, ठीक है ना, मतलब दोनों डी की तरफ जाएंगे। तो अगर बेटा मेरा थीटा जीरो की तरफ जा रहा है तो एक्चुअल में C और E एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, नहीं जा रहे? क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर C और E एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो अगर D टेंड्स टू जीरो हो गया तो C और E क्या हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे? इसका मतलब AD AC इज इक्वल टू AE होगा, नहीं होगा? और अगर दोनों इक्वल हो गए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गए, इसका मतलब इन दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? और मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि भाई ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं, ये मेरा वन से बड़ा है और ये मेरा वन से छोटा है, तो सैंडविच थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई फंक्शन वन बीच में जा रहा है और ये दोनों अगर बराबर हो गए तो इस वाले के इसके दोनों के बराबर होना पड़ेगा, बताया था ना? इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, वन, और ये भी कितना हो जाएगा, वन। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया मैंने क्या बोला? हाँ जी, तो बेटा इसलिए sin theta upon theta कितना मिल गया, 1, tan theta upon theta कितना मिल गया, 1। बेटा ये मेरी basic definition, but काम की बात ये वाली और है, बहुत काम की बात, बहुत बार use करते हैं कि sin theta upon theta always 1 से छोटा होता है और tan theta upon theta बेटा always 1 से बड़ा होता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। क्यों क्यों सर, क्यों सर? बेटा सिंपल सी बात ये, अगर बेटा मैं इस पे infinity लगाऊंगा तो कहां भगाएगा बताओ, जीरो पे, और बेटा अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो कहां भगाएगा, इनफिनिटी पे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, तो हैंड टू हैंड इनवर्स का रिलेशन भी याद कर लीजिएगा। इनवर्स में क्या होता है बेटा, साइन जो यहाँ पे लेस देन होता है तो बेटा यहाँ पे वो ग्रेटर देन हो जाता है, जो यहाँ पे ग्रेटर देन होता है वो यहाँ पे बेटा लेस देन हो जाता है, ठीक है ना? कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज है। प्रूफ की अगर बात करें तो आप खुद कर सकते हो, थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, थीटा यहाँ चला गया, इनवर्स ले लो तो ये थीटा बच गया, यहाँ पे लेस देन साइन इनवर्स थीटा आ गया, आएगा नहीं आएगा? अब थीटा को वापस डिवाइड कर दो, ये वन आ गया, ये मेरा थीटा आ गया, क्या रिलेशन आया, नहीं आया? ठीक है ना? और सर लिमिट में आपने इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? बेटा थीटा टेंड्स टू जीरो है मतलब पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव साइड से है तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला देखिए बेटा। हाँ जी, तो बेटा मुझे यहां से क्या मिला, एक इक्वेशन में दूसरा क्या मिला, टेन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स गोज़ टू जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज़ टू जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स, दोनों वन, इधर सेम, ये भी वन, ठीक है। अब बेटा इनका काम की बात समझना बेटा, बेटा दोनों की पहली बात यहाँ पे दो चीज काम की होती है, पहली बात तो बेटा दोनों सेम होने चाहिए, सेम बाई सेम होना चाहिए पहली बात तो।
दूसरा बेटा दोनों जीरो बाय जीरो होने चाहिए, जो सेम है बेटा वो दोनों जीरो को जाने चाहिए, तभी बेटा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, नहीं तो बेटा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ये बात जरूर ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैं बोलता हूं लिमिट x गोज़ टू 0 sin x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि बेटा दोनों सेम बाई सेम तो है, बट बेटा दोनों जीरो बाई जीरो की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे। अगर x मेरा 0 जा रहा है तो बेटा ये मेरा माइनस 1 जाएगा और बेटा ये भी मेरा माइनस 1 जाएगा, क्लियर? इसलिए बेटा मैं इसको 1 नहीं बोल सकता। तो ये क्या हो जाएगा सर? बेटा ये हो जाएगा sin 1। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो बेटा ध्यान रखना, फिर मस्ट कंडीशन क्या है कि दोनों सेम और दोनों जीरो बाई जीरो, ठीक है? क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला साइन कॉस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, अब देखो एक्स अगर जीरो जाएगा तो कॉस एक्स कहां जाएगा? वन, तो वन माइनस वन, ये जीरो जा रहा है नहीं जा रहा? ऊपर वाला फंक्शन सर जीरो जा रहा है, नीचे एक्स जीरो जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। क्या समझ में नहीं आया? तो दोनों जीरो बाई जीरो हो रहे हैं, अच्छा, बट दोनों सेम नहीं है, इसलिए बेटा इस बार भी ये वन नहीं होगा। तो ध्यान रखना, ओनली जीरो बाई जीरो होने पे भी काम नहीं चलेगा और ओनली सेम बाई सेम होने पे भी काम चलेगा, दोनों को एक साथ होना पड़ेगा, तो ही ये मेरा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो सर फिर कैसे करेंगे? सर फिर कैसे करेंगे इसको? बेटा करने का तरीका क्या होता है? बेटा ध्यान रखना, लिमिट में मैंने आपसे पहले भी बोला था समस्या और समाधान, इसका समाधान क्या है बेटा कि सेम बाई सेम इसको चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? कॉस एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, क्लियर? एक्स मेरा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो बेटा ये तो मेरा वन आ गया, ये तो मेरा क्या आ गया? वन आ गया। अब बच्चा ये महोदय कौन सा? ये वाला महोदय, तो इसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे, ठीक है ना? इसके बारे में बेटा हम आगे बात कर लेंगे, ये क्या होगा? वैसे ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है? कैसे होगा मैं भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना? आगे ये चीज आएगी, उसके उस टाइम पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अगले पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, ये बहुत काम आता है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 बाई 2 होता है, ठीक है ना? आगे आएगा तो बेटा यहाँ से आपको पता पड़ेगा एक्स स्क्वायर बनाने के लिए आपको एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपका माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, बट इंटू 0 होते ही बेटा पूरा 0 हो जाएगा, नहीं तो आप 1 भी कर सकते थे गलती से इसको, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है लिमिट एन गोज़ टू इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट इंटीजर एन साइन x by x plus n tan x by x, ठीक है ना? अब काम की बात समझना बेटा, सॉरी हाँ जी, तो बेटा नोट इन ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर। बेटा काम की बात, बहुत काम की बात है, कभी भी अगर आपके सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है, सिग्नम फंक्शन आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ रहा है, तो बेटा इनको सॉल्व करने से पहले, इनको लिमिट लगाने से पहले इनको सॉल्व करना। मैंने आपसे बोला भी था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कभी सॉल्व करने से पहले उसको बेटा खुद सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना? हमने पहले भी कर रखा है ऐसे क्वेश्चन आपको, ठीक है ना? तो काम की बात समझना बेटा, साइन मेरा क्या है? वन से छोटा, तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा बेटा? एन से छोटा होगा, नहीं होगा? क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? वन से बहुत छोटा, मतलब थोड़ा सा छोटा है, वन से थोड़ा छोटा। अगर एक्स जीरो जाएगा तो ये वन से हल्का छोटा होगा, तो एन से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, भाई सिंपल सी बात है, 0.99999 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3.999 आएगा? नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 4 से छोटा आएगा, आएगा? अच्छा बेटा, इस केस में बेटा ये वन से बड़ा, तो ये क्या होगा बेटा? ये एन से बड़ा आएगा, आएगा नहीं आएगा? अच्छा अब मुझे बताना, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एन से छोटा तो ये क्या दे देगा बेटा? ये दे देगा मुझे n माइनस वन, देगा नहीं देगा? और ये वाला n से बड़ा तो ये क्या दे देगा? n, तो बेटा मेरा आंसर क्या आएगा? 2n माइनस वन। क्या सभी को समझ में नहीं आया? जैसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन 2020 साइन x अपॉन x प्लस साइन 3x अपॉन x प्लस टेन 2021 x अपॉन x, ठीक है? तो पहली बात तो ये मेरा, ये पूरा मेरा 2002 से छोटा, अच्छा ये पूरा बेटा सेम बनाने पड़ेंगे, ध्यान रखना, सीधे मत लिख देना लेस देन वन, हाँ सेम बनाने पड़ेंगे, सेम बाई सेम होता है, तो सेम बना दिए, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो अब ये किससे? 3 से छोटा, ठीक है? इसके सेम बनाने के लिए 2021 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये मेरा 2021 से बड़ा। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिला? 2019, यहाँ से क्या मिला? 2, क्योंकि छोटे है, और यहाँ से क्या मिला? 2021, यहाँ से क्या आया? 404, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है लिमिट x गोज़ टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर मिनिमम x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 sin x / x, मतलब इसका जो मिनिमम होगा वो मुझे लेना है। अब बेटा जरा बताना इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा बेटा 1 माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2, ठीक है? इसका मतलब इसका मिनिमम कितना चला गया? 2। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू कितनी लेनी है बेटा? इसका मतलब इसकी वैल्यू बेटा मुझे लेनी है 2। Is it clear to all? तो बेटा ये कितना आ गया? 2 sin x upon x, और बेटा ये क्या होगा? 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 1। क्या सभी को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? हाँ जी,
ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साइन की पावर एक्स, साइन एक्स टू दी पावर एन अपॉन एक्स, फिर से बेटा गलती से वन मत बोल देना, क्यों? दोनों जीरो बाई जीरो है, एक्स भी है, बट दोनों सेम नहीं है। सेम करने के लिए बेटा इसकी डिग्री एन बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी बेटा? एक्स की पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो कितना हो गया वन, बट ये कितना हो गया जीरो, तो वन इंटू जीरो जीरो, ठीक है ना, ये वन नहीं होगा, ध्यान रखना। अब जरा काम की बात एक और समझना बेटा, मैंने आपको दिया एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स दोनों तरफ, बट लिमिट का खेल, लिमिट में डिफरेंस है। एक केस में बेटा लिमिट जीरो जा रही है, और बेटा एक में बेटा लिमिट मेरी इन्फिनिटी जा रही है, ठीक है ना। अगर बेटा लिमिट जीरो जाती है तो बेटा ये कितना हो जाएगा जीरो, और ये कितना हो जाएगा बेटा? मैंने कहा था ना ऑसिलेटिंग फंक्शन साइन का, मैंने आपको बोला था कि साइन का जो फंक्शन होता है वो कैसे होता है, बिल्कुल आपको शायद मैं बताया भी होगा, साइन वन बाई एक्स होता है, जब टेंस टू जीरो होता है तो बेटा अंदर वाला फंक्शन इन्फिनिटी होने लगता है। क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होने का मतलब बेटा अंदर वाला अपनी बहुत जल्दी वैल्यू चेंज करता है, बहुत जल्दी, मतलब वो जीरो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल बहुत जल्दी, बहुत जल्दी चेंज करेगा, बहुत जल्दी चेंज करेगा, बहुत जल्दी जैसे आगे बढ़ता जाएगा फिर वो स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, ठीक है ना। ये चीज होती है किसके फंक्शन में? साइन के फंक्शन में, ठीक है ना, वन अपॉन साइन के फंक्शन में। पहला बहुत रैपिडली होता है, मतलब इतना फास्ट होता है ऑसिलेशन कि आपको दिखता ही नहीं है कि कर्व का ऊपर गया कब नीचे गया, मतलब बिल्कुल अगल बगल होता है, बिल्कुल अगल बगल, विजिबिलिटी ना के बराबर होती है, ठीक है ना। मतलब विजिबिलिटी क्या होती, मतलब इतने क्लोज होता है कि आप मेजर नहीं कर सकते कौन से किस पॉइंट पे कर्व मेरा ऊपर गया है, किस पॉइंट पे कर्व मेरा नीचे गया है, क्लियर। बट जैसे आगे मूव करते जाते हैं वैल्यू मेरी छोटी होती जाती है, ठीक है ना, एक्स मेरा बड़ा होता है तो वैल्यू छोटी होती है, तो बेटा मेरा फंक्शन वापस विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब ये माइनस वन से वन के बीच में, अच्छा ये जीरो, जीरो इंटू कॉन्स्टेंट जीरो, तो बेटा अगर एक्स इक्वल टू जीरो है तो इससे आंसर क्या मिलेगा? जीरो। अच्छा अगर इन्फिनिटी की बात करता हूँ तो मैंने आपसे कहा था इन्फिनिटी और ये जीरो चला गया, इन्फिनिटी चला गया तो ये ओवरऑल क्या चला गया? जीरो। साइन जीरो कितना होता है? जीरो, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो। और मैंने कहा था कभी भी इन्फिनिटी इंटू जीरो हो तो इन्फिनिटी वाले फंक्शन को नीचे ले जाओ, इन्फिनिटी वाला नहीं, सॉरी, अगर कभी भी इन्फिनिटी टू जीरो होता है तो किसी भी एक फंक्शन को नीचे लेके जाओ, किसी भी एक फंक्शन को, ठीक है ना। अभी यहाँ पे फंक्शन बेटर कौन सा रहेगा? एक्स को नीचे ले जाते हैं, ठीक है, तो एक्स नीचे भी क्या होगा? वन अपॉन एक्स हो जाएगा। अब जरा काम की बात देखना, क्या मेरा फंक्शन सेम बाई सेम है? हाँ जी, देखो ये वन बाई एक्स, ये वन बाई एक्स, सेम बाई सेम है। अच्छा एक्स को इन्फिनिटी होने पर ये जीरो जा रहा है, ये जीरो जा रहा है, जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। क्लियर हुआ? मतलब यहाँ पे आंसर जीरो दे गया, यहाँ पे आंसर वन दे गया, फंक्शन सेम था बट लिमिट अलग लगाने बेटा मुझे अलग अलग आंसर मिलेंगे। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? लिमिट एक्स गोज टू जीरो, पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा ये क्वेश्चन ऑलरेडी दो बार जेई के अंदर आ चुका है और एक बार जेई मेंस में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बेटा मार्केट में, ठीक है ना, क्लासिक क्वेश्चन है, क्लासिक, ठीक है ना। अब काम की बात आप यहाँ पे समझना कि कभी भी अगर साइन के अंदर पाई इंटू समथिंग आता है, क्या आता है? साइन के अंदर पाई इंटू समथिंग आता है, तो बेटा ध्यान रखना आपको अंदर वाले फंक्शन को ऑलवेज पाई माइनस समथिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? पाई माइनस समथिंग या पाई बाई टू माइनस समथिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑलवेज। जितने भी क्वेश्चन होंगे हमेशा ये चीज मैंने कॉमन देखी है, मैंने कई सारे क्वेश्चन किए इस टाइप के, सब में मैंने एक चीज कॉमन देखी कि अंदर वाले फंक्शन को आपको तोड़ना पड़ता है पाई बाई टू माइनस समथिंग में या पाई माइनस समथिंग में, तो ही मेरा आंसर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहली बात तो बेटा अगर एक्स जीरो जाए तो कॉस का जाएगा वन, कॉस का जाएगा वन, तो ऊपर क्या मिलेगा? पाई, नीचे क्या मिलेगा? जीरो, तो साइन पाई अपॉन जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म लग रही है, लग रही नहीं लग रही, बट सीधे गलती से वन मत बोल देना क्योंकि दोनों सेम नहीं है, दोनों जीरो बाई जीरो नहीं है, दोनों सेम नहीं है। क्लियर? क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? अच्छा, तो करने का तरीका सर आपने कहा था इलाज कर दो, सेम बाई सेम कर दो, तो बेटा मैंने सेम बाई सेम कर दिया, सेम बाई सेम, तो पाई एक्स स्क्वायर से मल्टीपाई, पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड और अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ गया बेटा? ये मेरा वन आ गया, और बेटा ये कितना आ गया? हाँ जी, एक्स के जीरो जाने पे कॉस मेरा वन और ये जीरो, इन्फिनिटी मतलब वन टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जो कि पॉसिबल होता है, ठीक है ना। बट बेटा ये मेरा आंसर नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा? कि अगर मैं इसको देख, अगर x 0 पुट करता हूं तो बेटा ये sin π / π मिलेगा, ना कि sin 0 / 0 फॉर्म नहीं मिल रही। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो बेटा ये तरीका गलत है, बहुत सारे बच्चे बेटा से करके आते हैं और आंसर गलत होता है, ठीक है ना। इसलिए क्लासिक क्वेश्चन है, ठीक है। करने का तरीका मैंने आपको कहा बताया था, तोड़ दो। कैसे तोड़ूंगा सर? बेटा cos तो क्या लिख सकता हूं मैं, cos कर सकता हूं बेटा 1 - sin square x / x square, सॉरी लिख सकता हूं। अच्छा तो बेटा ये कितना आ गया? sin π - π sin square x आएगा, नहीं आएगा? साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अच्छा साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, तो बेटा ये पाई आ गया मेरा। क्या सभी को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा
हाँ जी, अब देखो साइन जीरो पे जीरो जाता है, मतलब अंदर मुझे जीरो मिल गया, साइन जीरो इंटू पाई जीरो हो गया, तो क्या करूंगा अब सेम बाई सेम बनाओ, तो ये पाई साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई पाई साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया जीरो वन, ठीक है। ये दोनों कितने आ गए बेटा? ये आ गए वन। तो बेटा मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया? मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? क्लियर हुआ? अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोटा बोला है बेटा आपसे, लिमिट x गोज टू इनफाइनाइट, लिमिट x गोज टू इनफाइनाइट x into sin pi upon 8x cos pi upon 8x, ठीक है ना बेटा। अगर मैं x को इन्फिनिटी जाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? cos 0, cos 0 कितना होता है 1, और क्या मिलेगा? sin 0, sin 0 कितना होता है 0, और क्या मिलेगा? x, x कहां जा रहा है? इनफाइनाइट, मतलब फॉर्म क्या बन गया बेटा? इन्फिनिटी इंटू जीरो। और मैंने कहा था कभी भी अगर इन्फिनिटी इंटू जीरो आता है बेटा तो बेटा मैं किसी एक फंक्शन को डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा। क्या क्लियर हुआ सभी को? नहीं हुआ? हाँ जी, तो मैं क्या करूंगा बेटा? होल्ड करना बेटा जरा। हाँ जी, मैं x को बेटा अगर नीचे लेके जाता हूं तो बेटा x इन्फिनिटी जाने पे ये जीरो जा रहा है, ये भी जीरो जा रहा है, बट सेम बाय सेम नहीं है, तो बेटा मैं पाई बाय 8 से मल्टीप्लाई पाई बाय 8 से डिवाइड कर दूंगा। बेटा ये कितना हो गया? 1, cos 0 1, आंसर कितना आ गया? पाई बाय 8। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। बी, लिमिट x गोज टू माइनस इनफाइनाइट x की पावर 4 sin 1 by x minus x square upon 1 plus mod x cube। बेटा देखो सेम पिछला ऐसा क्वेश्चन है, मतलब सेम इन्फिनिटी टाइप के क्वेश्चन है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या दे दिया बेटा? उन्होंने बजाय इन्फिनिटी के इस बार बेटा मुझे दिया है माइनस इन्फिनिटी। क्या दिया है? माइनस इन्फिनिटी। सर माइनस इन्फिनिटी फर्क क्या पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो भाई सेम तरह बिहेव नेचर सेम सेम नेचर रहेगा, क्योंकि x की बार 4 है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर है वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होते नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, नीचे मॉड है वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा, और साइन तो भाई प्लस इन्फिनिटी हो तो भी माइनस वन से वन होता है, और माइनस इन्फिनिटी तो भी माइनस वन से वन होता है, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बेटा ध्यान रखना, अगर कभी भी माइनस इन्फिनिटी आपके क्वेश्चन में आता है तो वो सिर्फ तीन केस में आएगा, या फिर तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होगा, या स्क्वायर रूट होगा, या मॉडुलस फंक्शन होगा, ठीक है ना। इन तीनों में क्यों आता है बेटा? बेटा इसका सिर्फ एक ही काम होता है कि मॉड एक्स को जब आप हटाओगे तो वो माइनस वन करोगे। क्या ये चीज समझ में नहीं आई? जब हम जानते हैं एक्स अगर अंदर वाला माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब एक्स नेगेटिव, और एक्स नेगेटिव इसका मतलब जब मैं मॉड को हटाऊंगा तो बेटा मैं माइनस लगाऊंगा, ठीक है ना। सर रूट में जो आता है बेटा, हम जानते हैं कि रूट को हटाते समय मोड़ आता है, मोड़ आएगा तो माइनस इन्फिनिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? असल सिग्नम में बेटा, सिग्नम में भी जानते हो कि अगर सिग्नम के अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव तो आंसर क्या होता है? माइनस वन। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो बेटा सिर्फ तीन केस में आएगा, और इस एक बार जब इसको साइन लगा दिया उसके बाद बेटा माइनस इन्फिनिटी का कोई भी यूज नहीं है, वो सेम टू सेम एज ए इन्फिनिटी तरह से ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? सेम आप माइनस फिर भूल जाना, उसका कोई भी यूज नहीं मिलेगा। सिर्फ एक बात, एकमात्र यूज क्या है कि मॉड एक्स को माइनस एक्स में कन्वर्ट करना, तो कहां का यूज होगा? मुखद मॉड में, स्क्वायर रूट में, क्योंकि वहां पे भी होता है, और एक सिग्नम एक्स, सिग्नम एक्स में, ठीक है ना। चलो तो बेटा फिर से कभी काम करूंगा, इन्फिनिटी तो ये तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, मॉड मेरा खुल जाएगा नेगेटिव में, तो बेटा ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब बेटा काम की बात समझना, सर अब कैसे करूं, अब कैसे करूं, अब कैसे करूं? बेटा इन्फिनिटी जाने पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिल रहा है, ठीक है, और आपने कहा था सर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हाई पावर कॉमन ले लो, तो नीचे एक्स क्यूब कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर एक्स की बार 4 कॉमन लेता हूँ, कुछ फायदा होगा क्या? नहीं होगा। होगा नहीं होगा? नहीं होगा। तो बेटा क्या करो? तो क्या करूं सर, फिर मैं क्या करूं? बेटा एक काम करो, देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम वो भी करोगे तो ऊपर x बच्चे का एक x का वापस इनटू करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अगर ऊपर मैं 4 कॉमन लेता हूं तो नीचे कॉमन क्या लूंगा? x क्यूब, क्यूब को काटूंगा, ऊपर क्यूब काटूंगा, ऊपर क्या एक x बचेगा? नहीं बचेगा। तो गलती से इन्फिनिटी मत बोल देना, क्योंकि साइन बैठा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है, साइन बैठा है, ठीक है। हो सकता है वो x कहीं पे और कंज्यूम होके उस x को गायब करना हो, ढूंढना पड़ जाए, ठीक है ना। जैसे देखो ये बंदू गया, एक्स क्यूब आया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब बेटा क्या मैं इस एक्स को वन अपॉन एक्स लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? अगर एक्स इन्फिनिटी तो क्या दोनों सेम बाई सेम जीरो बाई जीरो गए के नहीं गए? इसका मतलब ये पूरा क्या दे देगा बेटा मुझे? ये पूरा दे देगा वन, ये पूरा क्या दे देगा? जीरो। ये पूरा क्या दे देगा? जीरो। ये क्या दे देगा? माइनस वन। वन माइनस जीरो अपॉन माइनस वन, आंसर कितना गया? माइनस वन। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मेथड सेकंड, एक्स अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो वन अपॉन एक्स कहा जाएगा? जीरो, ठीक है ना। अपन इसका जाएगा जीरो। सिर्फ मॉड में ध्यान रखना, मॉड में ओपन करते समय ध्यान रखना, ओपन होगा उसके बाद चाहो तो आप चेंज कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको तरीका बताया बेटा, ठीक है। अब काम की बात एक और सीखो, नोट कि कभी भी अगर x गोज टू जीरो होता है तो बेटा आप साइन x को x लिख सकते हैं, टेन x को x लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x को भी बेटा आप x लिख सकते हैं, ठीक है, और बेटा cos इनवर्स x को भी बेटा आप x लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, सीधे लिख देना है, मतलब
ये हम निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं बेटा, सिंपल सी बात है बेटा, मैं जानता हूं कि जब जब मैं लिखूंगा साइन, अगर लिमिट एक्स गोज टू जीरो है, ठीक है, और अगर मैं बोल रहा हूँ साइन एक्स, ठीक है, तो ये मैंने क्या कि मैं इसको, मैं अगर एक्स गोज टू जीरो तो मैं इसको एक्स लिख सकता हूँ, मैंने ये बोला बेटा। रियलिटी में कैसे लिख दूंगा देख, खुद 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 चेक कर ले क्या इंटू एक्स होगा नहीं होगा। बेटा ये कितना हुआ, ये मेरा वन हो गया, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, एक्स आ गया, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा ध्यान रखना, जहां पर भी आपको लिमिट एक्स गोज टू जीरो, साइन एक्स को, साइन को हटा के सीधे एक्स डाल दो, टेन को हटा के सीधे एक्स डाल दो, खेल मेरा खत्म खत्म भाई, सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा कैसे, देखो इस तरीके से अगर मैं इसको करने बैठू तो क्वेश्चन एक लाइन में खत्म है। कैसे देखो, हाँ जी कन्वर्ट कर लिया, लिमिट इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी का मतलब ये कहाँ जा रहा है, जीरो जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है, इसका मतलब साइन को हटा दो, सिर्फ अंदर वाली वैल्यू डाल दो, साइन को भूल जाओ, अगर साइन के अंदर जीरो जा रहा है इसका मतलब साइन को भूल जाओ। तो क्लियर हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब अंदर क्या पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ वन बाई एक्स, और वन बाई एक्स होते ये कट गया क्यूब, पावर दोनों की इक्वल बाई इक्वल, आंसर क्या था, कोफिशियंट अपॉन कोफिशियंट, तो माइनस वन अपॉन माइनस वन, दैट इज माइनस वन, एक लाइन में आंसर आ गया, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखा बेटा, लिमिट एन गोज टू एक्स गोज टू इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर टेन वन बाई एक्स अंडर रूट नीचे, एट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस वन। अब फिर से सॉल्व करने मत बैठ जाना कि सर ये करूंगा वो करूंगा, सिंपल सा ट्रिक क्या था कि अगर एक्स इन माइनस इनफिनिटी जा रहा है, ठीक है, अच्छा माइनस इनफिनिटी जा रहा है भाई, कैसे करूंगा कैसे करूंगा बताओ, मैंने तो बताया नहीं कहीं अभी तक, कोई ना फिर भी जल्दी बता देता हूँ। पहली बात तो इसको टेन को तो हटाई दो, मैंने कहा ना इन्फिनिटी जा रहा है तो टेन को तो हटाई दो, खेल ही खत्म है अपना, ठीक है, तो ये कट जाएगा तो ऊपर बचेगा सिर्फ एक्स, है ना, टेन स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स, क्या बचेगा वन बाई एक्स, ठीक है बेटा। नीचे अगर मैं बाहर देखूं, मैंने कहा था स्क्वायर रूट में जब जब आएगा तो भाई मसला क्रिएट करेगा, तो बेटा नीचे अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो बाहर क्या निकलेगा, मोड एक्स कॉमन निकलेगा, निकलेगा ना, और यहाँ पे एक एक्स तो कट गया, एक एक्स बचा, एक एक्स तो कट गया, एक एक्स तो इससे कट गया क्योंकि टेन को तो मैं भूल ही जाऊंगा, एक एक्स बचा, और जो मोड एक्स होगा ना बेटा ये माइनस इनफिनिटी की वजह से बेटा ये छोड़ देगा माइनस वन, और जब मोड को टांगो तो क्या छोड़ देगा ये माइनस वन, और एक्स से एक्स कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा वन, नीचे क्या बचेगा एक तो ये माइनस वन, ठीक है, और अंडर रूट में क्या बचेगा अंडर रूट, बाकी तो जीरो हो जाएंगे हमें पता है, तो आंसर कितना आएगा माइनस वन अपॉन टू रूट टू, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्स टेन टू एक्स माइनस 2x 10x upon 1 minus cos 2x का whole square, बेटा फिर से 10 2x और यहाँ पे 10x है बेटा, देखो फिर से अगर मैं खोलना चाहूँ तो बेटा क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सर, 2x को x में 10 में खोलो या फिर डिवाइड मल्टीप्लाई करो जो भी है, सबसे सिंपल तरीका क्या बताया था बेटा कि क्वेश्चन में 10 को दिखता ही खत्म कर दो, 10 को हटा के सिर्फ x डाल दो, जैसे मैं x डालूंगा मुझे क्या मिलेगा, हाँ जी मुझे क्या मिलेगा 2x square मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस 2x square मिलेगा, नहीं मिलेगा, अब जरा एक बात सोच रहा तुम लोग, हाँ जी तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर जीरो आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे अभी भी जीरो आ रहा है, देखो आ रहा है नहीं आ रहा, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, अरे कॉस जीरो कितना होता है वन, वन माइनस वन जीरो, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बनी कि नहीं बनी, इसका मतलब अभी यहाँ पे सीधे ओपन करना ठीक नहीं है, क्लियर, क्योंकि बेटा ओपन करने पे बेटा वो कुछ 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 ना कुछ पंगा कर जाएगा, तो फिर कैसे करूँ, फिर कैसे करूँ बेटा, फिर करने का तरीका बेटा वन माइनस कॉस टू एक्स कितना होता है, ये होता है बेटा कॉस की पावर, सॉरी साइन की पावर साइन स्क्वायर एक्स, होता है नहीं होता, हाँ जी फॉर्मुला याद है ना, वन माइनस कॉस टू एक्स कितना होता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा साइन की पावर फोर एक्स, तो बेटा नीचे आ गया बेटा साइन की पावर फोर एक्स, क्या आ गया, हाँ टू टू भी आता है ना, टू भी तो आएगा टू, तो होल स्क्वायर कितना हो गया फोर, फोर इंटू साइन की पावर फोर एक्स आएगा नहीं आएगा, अच्छा ऊपर की बात करो बेटा तो फिर क्या करो बेटा, पूरे फंक्शन को साइन टेन में कन्वर्ट कर दो, किसमें कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में, कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में, ठीक है, तो x दोनों में से कॉमन, x मेरा कॉमन आ गया, अच्छा ऊपर क्या आएगा, ये मुझे देगा, ये क्या देगा, ये क्या देगा, ये क्या देगा, ये देगा साइन टू थीटा, साइन टू एक्स, साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स, साइन टू एक्स, साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स देगा, ये क्या देगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स देगा, नहीं देगा, और ये टू इसके पास अभी भी बना हुआ है क्योंकि मैंने x कॉमन लिया है, ठीक है, अब जब बताया साइन टू कितना होता है बेटा, साइन टू होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स, होता ही नहीं होता, अब देखो टू साइन एक्स फिर से दोनों में कॉमन चला गया, फिर से मैं बाहर निकाल दूंगा, तो बेटा सीधे मैंने बाहर क्या खींच लिया, मैंने सीधे बाहर खींच लिया बेटा टू एक्स साइन एक्स, अंदर क्या बचा कॉस एक्स अपॉन कॉस टू एक्स माइनस वन अपॉन कॉस एक्स, बचेगा नहीं बचेगा, हाँ जी अब देखो साइन ये टू से एक काटा, एक टू बच गया, ये साइन से एक काटा तो ये क्यूब बच गया, ठीक है ना, उसके बाद सर अगला काम क्या करूं, अगला काम क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होते बेटा ये कितना आ गया,
ये तो आ गया cos स्क्वायर x, तो हाँ जी cos 2x, हाँ ये आ गया cos स्क्वायर x आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस cos 2x, cos 2x कितना होता है बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, होता है नहीं होता, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अब बेटा ये एक x अलग पड़ा था, ये x क्यूब अलग पड़ा था ना, हाँ जी, चाहो तो एक काम करो अब x को हटा दो, x क्यूब, x क्यूब इसको साइन को हटा दो, तो नीचे कितना आ गया, साइन को हटा दो भाई, नीचे कितना आ गया, नीचे मेरे पास बचा x क्यूब, उस x से ये x कट गया, मेरे पास कितना बचा x स्क्वायर, बचा नहीं बचा, तो सीधी बात तो ये सोचो नीचे x स्क्वायर बचा हुआ है, 2x स्क्वायर बचा, क्या हो गया 2x स्क्वायर, ये तो पूरा गायब कर दिया मैंने, ठीक है, तो यहां पे क्या बचा हुआ 2x स्क्वायर बचा हुआ है, साइन को भी हटा दो, सीधे x स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब काम की बात देखो, अगर बेटा मैं लिमिट 0 लेके जा रहा हूं तो ये 1 प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, ये 1 ये 2 माइनस 1 अभी भी प्रॉब्लम ऊपर हो रही है, क्यों, ये 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 फिर से 0 जा रहा है, अभी भी मसला हो रहा है, ठीक है। पहली बात तो ओपन कर देता हूँ, ओपन करते मुझे क्या मिला, ये हो गया 1, 1 माइनस 2 का स्क्वायर हुआ नहीं हुआ, और नीचे क्या जा रहा है, अच्छा नीचे जा रहा है साइड स्क्वायर, तो मत काटो अभी काम आ जाएगा साइड स्क्वायर मेरे, हाँ जी ये दोनों मेरे आपस में कट गए, मुझे क्या मिला 1 अपॉन 2 cos 2x cos स्क्वायर, तो बेटा आंसर क्या आ गया 1 बाई 2, क्या सभी को समझ में नहीं आया, हाँ जी, तो बेटा ध्यान रखना कभी भी ऐसा हो तो एक काम करो उसको बजाय करने के उसको ओपन करके सॉल्व करना आपको पड़ेगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, हमेशा फुलफिल ये कर सकते हैं हम, बिल्कुल ट्रू है, बट 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, इसलिए बेटा इसको करने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, बेटा इस क्वेश्चन को आप एक से दो बार देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी है और मैंने सीधे वर्बली कर दिया है, ठीक है, एक बार आप जिसको करके कॉपी में लिख के देखना, आपको एरर दिख जाए, मतलब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, लिमिट x गोज़ टू इनफाइनाइट, x इनटू tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x अपॉन x प्लस 2, ठीक है ना। पहली बात तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी नहीं है तो बेटा जितनी हमारे काम की उतना मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। बेटा सिंपल सी बात क्या, बड़ा लॉलीपॉप चीज है, अगर कभी भी आपसे पूछ ले tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b अगर आपसे पूछ ले तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, तो बेटा मेरे पास फॉर्मूला होगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, देखो यही है a प्लस, ये माइनस है तो a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, ठीक है ना, कुछ हार्ड है क्या, नहीं है ना, लॉलीपॉप लगा ना, हाँ कैसे लगा बेटा, कैसे लगा बेटा, बड़ा लॉलीपॉप है, समझो जरा बेटा, आपको क्या टेन का फॉर्मूला याद है, टेन ए बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी कितना होता है, टेन ए प्लस बी बेटा, टेन ए प्लस बी बेटा मेरे पास हो जाता है टेन ए टेन बी प्लस टेन बी, होता है नहीं होता, अपॉन ए और बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, होता है नहीं होता, हाँ जी होता है नहीं होता, ठीक है। अब जरा काम की बात देखना, ए एंगल था और बेटा टेन इनवर्स ए बी क्या होता है, एंगल ही तो होता है, क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अरे वाई इज इक्वल टू टेन ए, अगर मैं बोलूंगा अगर टेन इनवर्स ए, हाँ जी क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, ये एंगल ही तो होता है टेन इनवर्स थीटा, क्लियर हुआ नहीं हुआ, अरे वाई इज इक्वल टू कितना होता है, अगर टेन ए है तो ए कितना होगा भाई, ए कितना होगा, टेन इनवर्स वाई तो होगा ना, क्या समझ में नहीं आ रहा, मतलब इन्होंने बंधु ने एंगल दे दिया है, सिर्फ a प्लस बी दे दिया है, a प्लस बी देंगे तो इधर tan जाएगा इनवर्स में जाएगा और ये गायब हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a और b आ जाएंगे, क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो अभी याद मत करो, जब कराऊंगा उस टाइम डेरिवेशन हो जाएगा, बड़ी लॉलीपॉप चीज है, ठीक है ना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। हाँ जी अभी तुम्हें याद रखना है कि बेटा जो मेरा tan का फॉर्मूला होता है ना, अंदर tan का फॉर्मूला लग जाएगा, बस इतना याद रखो, क्या लग जाएगा, टेन का फॉर्मूला, जो मेरे पास टेन का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला लग जाएगा ए और बी के ऊपर, क्या लग जाएगा, ए और बी के ऊपर, हम जानते हैं टेन ए, टेन ए प्लस बी कितना होता है, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी कितना होता है, टेन ए टेन बी अपॉन, सॉरी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, तो देखो वापस टेन इनवर्स ए प्लस इनवर्स बी लग रहा है तो मुझे क्या लग जाएगा, ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, इधर लग गया ए, ठीक है ना, याद हो गया नहीं हुआ, वापस बता रहा हूँ, टेन का फॉर्मूला लग जाएगा एज इट इज, बस इस बार ए पे लगेगा, अंदर वाले एंगल पे लगेगा, तो a प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, जो मेरे टेन का फॉर्मूला था, ठीक है ना। अच्छा तो सिंपल चीज, इस बार बेटा ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो मैं क्या बोलूंगा, tan इनवर्स a माइनस b, क्योंकि माइनस है, तो a प्लस वन अपॉन a प्लस टू माइनस x अपॉन x प्लस टू अपॉन वन प्लस दिस, ठीक है। उसके बाद बेटा अगला काम LCM, LCM लेते मुझे क्या मिला, x x कट गया, दोनों सेम LCM बेस है,
ठीक है, x अपॉन वन, इधर बेटा क्या आएगा बेटा, x प्लस टू का होल स्क्वायर आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो बेटा ये स्क्वायर इसको एक बार काट देगा, ठीक है बेटा इस फंक्शन को अगर, और ये बंधु अब कहाँ जाएगा, ये बंधु ऊपर कूदेगा भाई, बंधु ऊपर कूद गया, कूदा नहीं कूदा, हाँ जी। अब बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो x कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, ये बंधु कहाँ जा रहा है बेटा, जीरो जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है जीरो, इनवर्स में कहाँ जा रहा है जीरो, इन्फिनिटी और टेन, टेन इनवर्स जीरो कितना होता है जीरो, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो जीरो, बस मतलब एक को नीचे जाना पड़ेगा एक तरीका, या फिर दूसरा तरीका और था बेटा हमारे पास, मैंने क्या कहा था कि जो मुझे दे रखा है उसको टेन इनवर्स में अगर अंदर वाला जीरो जा रखा हो तो बेटा इनवर्स टेन को इनवर्स को भूल जाओ, भूल गया तो मुझे क्या मिलेगा एक्स इंटू एक्स प्लस टू अपॉन, देखो बेटा मैंने वही ट्रैक किया, ये रहा इंटू एक्स, इसको तो बेटा मैंने वन बोल दिया, तो ये स्टेप बचानी है हमको, टाइम बचाना है, इसको पूरा भूल जाओ, एक झटके में भूल जाओ, अगर टेन या टेन इनवर्स में अंदर वाला जीरो जा रहा है तो टेन को लिखो और लिख के काट दो, क्योंकि रफ कॉपी में तो करोगे ना पेपर में आप, तो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। अब जरा बताना इक्वल अपॉन इक्वल जा रहा है नहीं जा रहा, तो आंसर क्या होगा, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट, तो आंसर कितना आ गया 1/2, क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या क्वेश्चन हार्ड था, सिर्फ एक बार आपको इनवर्स फॉर्मूला लगाना है, इनवर्स को लगाने पे बेटा सीधा आपका आंसर आ जाएगा, भिड़ना नहीं है, जो तरीका बताया उस पर ही चलना है, ठीक है ना, कि अगर tan इनवर्स tan sin cos sin और sin इनवर्स दिखता है तो बेटा उसको भूल जाओ, ठीक है ना, अगर 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बन रही है तो, अगर मान लो वो भूलने पे 0 बाय 0 फॉर्म बना दे रहा है तो मत भूलो, तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करो उसके बाद वो चीज सोचो, ठीक है ना। चलो अगला बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बेटा एक क्वेश्चन भी बोल सकते हैं और इसको आप याद, आपका रिजल्ट भी हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है बेटा, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, कैसे बेटा, 0 पुट कर 0 बाय 0 बन रहा है नहीं बन रहा, अगर 0 बाय 0 बन रहा है तो लॉपिटल लगेगा नहीं लगेगा, अगर मैं लॉपिटल लगाऊंगा तो ऊपर क्या बनेगा बेटा, ऊपर मिलेगा 1 प्लस sin x मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा 0 प्लस sin x, क्योंकि cos का होता है बेटा माइनस sin x होता है, ठीक है, तो 0 प्लस sin x अपॉन 2x मिलेगा, और बेटा ये तो हो गया मेरा 1, आंसर कितना आ गया 1/2, ठीक है ना, पहला तरीका। दूसरा तरीका बेटा क्या होगा कि इसको लिख दे बेटा क्या, 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इससे भी हो जाएगा, ठीक है ना, इससे भी मेरा आंसर क्या आएगा 1/2, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, याद रखना सीधे आंसर मुझे 1/2 लिखना है ऑलवेज, ठीक है ना, बार बार नहीं बिठेंगे, अब इसको हम सीधे ही आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया बेटा 1 माइनस कॉस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, बेटा इसमें भी वही कंडीशन फुलफिल होती है कि दोनों सेम बाई सेम और 0 बाई 0, क्या दोनों सेम बाई सेम है क्या, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, सेम बाय सेम बनाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से डिवाइड, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 1/2, और ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया मेरा 1, आंसर कितना आ गया 1/2, क्लियर। चलो इधर क्या करूंगा, देखो बेटा ये 5x से x स्क्वायर है तो बेटा 25 से मल्टीप्लाई 25 से डिवाइड, तो कितना आ गया 25/2, क्लियर। अच्छा इधर बेटा अगर m से मल्टीप्लाई कुछ 1 माइनस cos mx / x स्क्वायर तो क्या होगा बेटा, सीधे आंसर लिखना है, देखो ध्यान देना जरा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन था, नीचे अंदर 5 से मल्टीप्लाई था, अगर नीचे कुछ नहीं है अकेला एक्स स्क्वायर है और एक्स कॉस के साथ कोई एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो सिंपल याद रखना कि ये जो बंधु है इसका स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 25/2, क्लियर। अच्छा तो स्क्वायर क्या है एम, तो आंसर क्या आएगा एम स्क्वायर अपॉन 2, क्या सभी को समझ में आया नहीं आया। अच्छा सर अगर सर इससे कोई मल्टीप्लाई हो रहा होता तो एन मल्टीप्लाई हो रहा होता तो, अरे एन कॉन्स्टेंट ही तो है ना, बाहर निकल जाएगा ना 1/n ले, और यहाँ पे n में वापस जुड़ जाएगा तो 2n आ जाएगा, क्लियर हुआ, तो उससे नहीं बिड़ना हमको, कांस्टेंट है ना बाहर निकल जाएगा उसको, ठीक है। तो अंदर वाला ध्यान रखना है, सीधे लिख देना है सीधे, ठीक है। हाँ जी अब चलो, मेरे पास क्वेश्चन था, पहली बात तो cos 2x माइनस cos 5x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस माइनस 1 कर दूं, एक बार 1 जोड़ते ये बन गया, एक बार 1 घटा से ये बन गया, ठीक है। अब देखो 1 दोनों में कट जा रहा है क्योंकि यहाँ प्लस 1 है और माइनस ओपन पे ये माइनस 1 है, ठीक है। इसका आंसर कोई बताएगा, सीधे आंसर, नीचे खाली है तो इसका स्क्वायर बाई 2, तो 25/2, इधर इसका स्क्वायर बाई 2, तो 9 स्क्वायर 9/2, तो आंसर कितना आया 8, क्लियर। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, लिमिट x गोज़ टू 0 8 अपॉन x की पावर 8, ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर स्क्वायर बाई 2 माइनस cos स्क्वायर बाई 4 प्लस cos स्क्वायर बाई x cos स्क्वायर बाई 4। बेटा देखो कभी भी अगर ये चीज आपके सामने आती है, देखो बता रहा हूँ मैं, देखो कॉन्सेप्ट है बेटा, आप जो मैं तरीके बता रहा हूँ आपको याद करते जाना, भूल मत जाना, क्योंकि अगर आपको वो याद रहेंगे तो बेटा सब कुछ सुर में रहेगा। कभी भी अगर आपको 1 माइनस 1 जी किधर गया 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी अगर आपको मिलता है तो बेटा ऑलवेज आपको यही काम करना है। क्या करना है बता रहा हूँ बेटा, देखो 1 माइनस बी लिख सकता हूँ, मैंने दोनों साथ ले लिए,
चलो वन माइनस ए ले लो, कुछ भी ले लो, वन माइनस ए साथ ले लिया, क्या बेटा मैं इन दोनों में से माइनस बी कॉमन ले सकता हूँ क्या? अंदर क्या बचेगा, वन माइनस ए बचेगा नहीं बचेगा? ठीक है, इसका वन तो है ही गया, अब दोनों में से कॉमन क्या आ गया, वन माइनस ए कॉमन आ गया, तो मुझे क्या मिल गया, वन माइनस ए वन माइनस बी, मिला नहीं मिला? तो कभी भी वन माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी हो तो बेटा सीधे लिखना है वन माइनस ए वन माइनस बी, ध्यान रखिएगा, करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, तो फॉर्म याद रखनी है कि कभी मुझे ये मिले तो मुझे क्या करना है, क्लियर? हाँ जी, एक बात और, एक बात और, अगर ये वन ना मिले तो बेटा आप प्लस माइनस वन कर लोगे, ठीक है ना, आप प्लस माइनस वन कर लोगे, मान लो बोल लिया ए बी माइनस ए माइनस बी, तो आप प्लस वन करोगे और माइनस वन करोगे, इसका फॉर्मूला बन जाएगा माइनस वन अडक हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये वाला था, देखो वन माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है, तो कॉमन ले लूँ तो सीधे पहले का आ जाएगा वन माइनस, सीधे लिख दूँ, हमने तो मैंने पहले इसको लिया, इसमें से ये कॉमन ले लिया, ये बन गया, फिर कॉमन ले लिया, ये तो सीधा आंसर लिखना है, वन माइनस ए वन माइनस बी, ए मेरा ये था बी मेरा था, तो वन माइनस ए वन माइनस बी, मिलेगा नहीं मिलेगा? अब जरा सोचो बेटा इसका लाज क्या बेटा, एक्स स्क्वायर बाई टू का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एक्स स्क्वायर बाई टू का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये एट था, एक्स स्क्वायर बाई टू के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर बाई टू का होल स्क्वायर मतलब एक्स की पावर फोर, तो एट का पावर फोर इधर चली गई और पावर फोर इधर चली गई, इधर तो कोई मसला हुआ नहीं, मसला किसका हुआ, नीचे का, तो बेटा टू स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई डिवाइड किया और तो मल्टीप्लाई कर दिया, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, फोर को उसके साथ डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया, क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, अब देखो मुझे क्या मिलेगा, ये तो एट अकेला, ये स्क्वायर अकेला, और बेटा ये मुझे कितना दे गया, वन बाई टू, ठीक है, ये पूरा कितना दे गया, वन बाई टू, ठीक है, और ये कितना दे गया बेटा, वन अपॉन फोर स्क्वायर, हाँ जी, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, अब काटाबिटी कर देते हैं, एट से ये कट गया, मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया 1 by 8 into 1 by 4, that is 1 upon 32, clear, calculations, practice करिएगा आप, एक बार आप जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, जब भी आप नोट्स बनाओ बेटा मैं आपसे ये सलाह दूंगा कि एक बार देख लो, देखने के बाद क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन को फिर बिना देखे एक बार लिखो, तो आपकी क्या प्रैक्टिस पड़ेगी, ठीक है ना, क्लास में तो क्या है समझाते हैं एक एक स्टेप हम लिख के दिखाते हैं ना, तो आपको दिमाग में बैठता चला जाता है, अभी क्या वो लिखा हुआ चल रहा है ना, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा कैलकुलेशन में हो सकता है ऊपर नीचे हो, तो कैलकुलेशन खुद करोगे तो आपको इजीली विजिबल हो जाएगा कि भाई मुझे चाहिए 1/4 का स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड लॉलीपॉप चीज है, ठीक है, बट यहाँ पे सिली मिस्टेक हमसे कई बार हो जाती है, तो वो चीज आप ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 - x² अपॉन ब्रैकेट में 1 + x² साइन इनवर्स x का होल क्यूब, ठीक है ना, काम की बात समझना बेटा, नोट इफ इनवर्स फंक्शन इज नॉर्मली इन्वॉल्व विद पॉलीनोमियल देन एज्यूम इट टी, मतलब बेटा अगर मान लो मुझे साइन इनवर्स x दे रखा है और उसके साथ x के उस साइन इनवर्स x दे रखा है और x का कोई पॉलीनोमियल भी दे रखा है, ठीक है ना, तो बेटा इनवर्स से बेटर होता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हैंडल करें, ठीक है ना, तो इसके बेस्ट तरीका होता है बेटा कि x इनवर्स को टी मान लो, तो उससे क्या होता है बेटा पूरा फंक्शन इनवर्स के बजाय साइन में कन्वर्ट हो जाता है या कॉस में कन्वर्ट हो जाता है या टेन में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या सभी को समझ में नहीं आया, देखो मैंने लिखा भी है cos tan inverse x cos inverse inverse x और पॉलीनोमियल किस में हो x में हो, तो बेटा आपको ये मान लेना है, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया t माना तो x कितना आ गया sin t आ गया, अब एक बात सोचना बेटा जैसे जैसे x मेरा 0 जाएगा, यहां पे कंडीशन किस पे थी, x 0 पे थी, x 0 जाएगा तो t भी कहां जाएगा, 0 जाएगा नहीं जाएगा, तो बेटा मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, x की जगह sin t और ये क्या बन गया 1 - x² कितना हो गया बेटा 1 - sin²t दैट इज cos t, तो ये कितना आ गया बेटा cos t आ गया, अच्छा सर प्लस कैसे आया, नेगेटिव भी तो सकता था बेटा, जानता हूं कि जीरो के इधर उधर दोनों तरफ प्लस होता ही है, ठीक है ना, हमको पता है, और प्लस की बात करें तो प्लस ही आएगा, ठीक है ना, cos मॉड अगर मैं डालता भी इसमें अगर स्क्वायर रूट से बनकर मॉड डालता भी तो cos 0 के दोनों तरफ प्लस 1 होता है, तो दोनों तरफ बेटा वो पॉजिटिव ही खुलेगा, हम जाते हैं ना मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव, तो बेटा वो पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव खुलेगा, ठीक है, वैसे भी हम जीरो प्लस की बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं, ठीक है ना, नीचे क्या बन जाएगा बेटा ये वाला क्या बन जाएगा बेटा ये बन जाएगा 1 + sin²t और बेटा ये बन जाएगा मेरा टी क्यूब, बनेगा नहीं बनेगा, तो सीधा सुट आंसर एक स्क्वायर एक टी तो संग गया, अरे एक टी तो संग गया एक स्क्वायर टी इसके संग गया और बेटा टी डालने पर ये जीरो जा रहा है, कोई पंगा कर ही नहीं रहा, तो 1 + 1 × 1 × 1/2 आंसर कितना गया, इजी था ना, दिखने में कैसा लग रहा था, खतरनाक सा लग रहा था, बेटा ध्यान रखना कई बार ये बिल्कुल स्मूथली निकाल ले जाता है कि अगर आप ये डाल देते हैं तो, ठीक है ना, और अगर गलती से इनवर्स के साथ आपको अंडर रूट 1 - x² मिल गया तो सट्टा एक लाइन में आंसर है,
ठीक है, और सर वन प्लस स्क्वायर मिल गया तो भी कई बार काम आता है भाई, कैसे काम आता है सर बेटा, उस टाइम पे कई बार वो टेन दे देता है, तो वन प्लस कितना होता है sec स्क्वायर, तो वहां से आपका काम बन जाता है, कई बार cot दे देता है, ठीक है, तो ध्यान रखना चीज का, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला बेटा, लिमिट x गोज़ टू 0 1 माइनस cos x स्क्वायर रूट cos 2x अपॉन tan स्क्वायर x, ठीक है ना। तो पहली बात तो बेटा अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो बेटा 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है नहीं बन रही, ठीक है ना। दूसरी बात बेटा कि मेरे पास जो फंक्शन जा रहा है, ठीक है ना, ये आपस में आर्ग्यूमेंट में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में, किसमें, ये मल्टीप्लाई में का मतलब ये, मैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स वाला फॉर्मूला अभी नहीं लगा सकता, क्यों, इसके साथ एक कॉस टू एक्स और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो फॉर्मूला मेरा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो फिर मैं कैसे करूँ सर, तो फिर मैं कैसे करूँ बेटा, काम की बात, मैंने आपसे बोला था समथिंग माइनस स्क्वायर रूट क्या क्लास क्या था इसका, रेशलाइज, क्या था, रेशलाइज, तो मैं क्या करूंगा बेटा, फंक्शन को रेशलाइज कर दूंगा, ठीक है, रेशलाइज कर दिया, ठीक है, पूरा रेशलाइज हो गया, तो ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर रूट हट गया। अब इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, इसको लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, लिखूंगा नहीं लिखूंगा, अच्छा नीचे आते हैं बेटा, जीरो डालने पे ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर नहीं रहा, ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, टू आने वाला है तो हम तो इसको तो फ्री करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन को लेंथी लेके हम नहीं चलना, जो फ्री हो रहा है उसको वैल्यू डाल के फ्री करो, मतलब जो फंक्शन आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा उसके अंदर वैल्यू डाल के फ्री करो, अगर वो कॉन्स्टेंट की तरह जा रहा है तो, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्स्टेंट जाएगा ये कभी काम तो इन्वॉल्व होगा नहीं, ठीक है। और इसको क्या हो गया बेटा, इसका एक्स स्क्वायर हो गया सीधे, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, मेरे पास फंक्शन क्या आ गया, ये वाला फंक्शन आ गया, क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब इसका बंटवारा हो जाएगा, एक बंटवारा इसके पास, दूसरा बंटवारा इसके पास होगा, इसकी वैल्यू, हाँ जी इसकी वैल्यू 1/2 मत बोल देना, हाँ जी ये स्क्वायर है, हमने फॉर्मूला किसका था, 1 माइनस कॉस एक्स का था, तो पहले इसके फैक्टर होंगे 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स होगा, और ये बेटा मुझे कितना देगा, 1/2 ये ऑलरेडी, ये कितना दे देगा, तो क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, अच्छा इसमें 2 से 2 कट गया, इधर क्या आ गया बेटा 1, तो आंसर क्या मिला बेटा, ये 2 से 2 कटा, 1/2 + 1 दैट इज 3/2, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, लिमिट x गोज़ टू 0 1 माइनस cos x cos 2x cos 3x अपॉन cos स्क्वायर 2x अपॉन, हाँ जी इधर क्या क्वेश्चन, हाँ cos स्क्वायर 2x, ठीक है ना, ये तो मैंने लिख दिया, आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था आपका, ठीक है बेटा। अगर मैं 0 पुट करता हूं तो साइन 0 0 क्या हो जाएगा, 0, ऊपर भी देखो सब ऊपर वाले तीनों 1, 1 माइनस 1 0, ठीक है ना। अभी बेटा देखो काम की बात, तीन फंक्शन cos के दे रखे, ठीक है ना, सारे तरीके फेल, क्योंकि 3 का cos 3 का फॉर्मूला बनाऊंगा तो ऑल दो टर्म बनेंगी, फिर cos 2 का बनाऊंगा फिर दो टर्म बनेंगी, और फिर आखिर में बाहर एक टर्म, तो 2 × 2 कितने टर्म बनेंगे आपकी, वहां से 4-5 टर्म वहां बन जाएंगे, तो बेटा इतना लेंथी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा इसके लिए आप तरीका समझिएगा कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा तो आपको बेटा वहां पे लॉपिटल लगाना है, अगर आपके पास फंक्शन fx gx hx तीनों का मल्टीपल हो रहा हो, ओपन करने पे बेटा वो फंक्शन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो बेटा इसी तरीका क्या होता है बेटा, वहां पे लॉपिटल लगा दो, क्या लगा दो, लॉपिटल, लॉपिटल से फायदा क्या होगा बेटा, बट प्रॉब्लम ये कि सर abc का मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा ही नहीं है भाई, हमने इसका, अगर मुझे fx * gx * hx अगर दे रखा है, तो सर अगर मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगाता हूं तो पहले इसका डिफरेंशिएशन, ये दोनों कांस्टेंट, ठीक है, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट, अब इन दोनों का होगा तो फिर से चैन रूल लगेगा, एक में ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन, तो फिर से लेंथी हो जाएगा सर, क्या करूं। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, 3, 4, 5, तो बेटा ऑलवेज वाई मान के लॉग लगा दो, उससे क्या होता है फंक्शन स्प्लिट अप हो जाता है, हम जानते हैं a into b into c कितना होता है, log a into b into c, log a plus log b plus log c, ये सभी को समझ में नहीं आया, आया नहीं आया, तो बेटा मैंने ये अल्फा मान लिया, ठीक है, अच्छा इन्होंने मैंने बेटा log के भी कर दिया, क्या बात, एक तरीका और ले लिया, ठीक है आप log से भी कर सकते हो, बट अभी यहाँ पे सीधे ही को रखा है तो log से भी कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है ना, वहां से बेटा आपका आंसर सेम ही आएगा। इधर देख लीजिए, इधर मैंने क्या किया है, यहाँ पे अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, ये चीज आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी कई बार सॉल्व किया होगा, अरे बजाय ओपन करने के दोनों को कंबाइंड कर दो, मैं ओपन करने की नहीं कह रहा, कंबाइंड करने ही कह रहा हूँ, आपने देखा था ना ट्रिग्नोमेट्री कई बार होता है कि दोनों कंबाइंड करो दो फंक्शन बनेंगे ए प्लस बी, उसके बाद फ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर दो दो के पेयर बन जाएंगे, फिर बन जाएंगे ए प्लस बी, फिर चार सिंगल टर्म बन जाएंगे, सिंगल टर्म होता है आराम से खेल सकते, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं, क्या समझ में आया नहीं आया। तो पहला काम, पहला पेयर का कैसे बनेगा, दो से मल्टीप्लाई दो से डिवाइड, तो पहला क्या बन गया बेटा a प्लस बी और a माइनस बी, तो cos 4a इंटू cos माइनस 2a, ठीक है, इसका फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो फिर से तो ये आ गया, ठीक है, अभी भी इसके 2 चाहिए, तो दो से मल्टीप्लाई दो से डिवाइड, तो ये दो और ये दो, क्लियर। तो
तो बेटा ये कितना हो गया, बेटा ये हो गया पहले एड कॉस सिक्स से और कॉस टू ए। सर इसे क्या लिखूं, इसे तो बेटा स्क्वायर में, और यहाँ पे कोई भी टर्म मेरे स्क्वायर में नहीं आ रहे तो बेटा इसको भी कन्वर्ट कर दो, इसको लिख दो वन प्लस कॉस फोर ए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा अब बेटा सबको अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो क्या फोर कैल्सियम जाएगा सभी पे? नहीं जाएगा, जाएगा जैसे फोर कैल्सियम जाएगा माइनस ओपन होगा तो ये माइनस वन, बाकी सब माइनस में आ गए। चार को तीन से माइनस एक से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस तीन बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। अब देखो शानदार चीज, कॉस को बेटा सीधे साइन को मैंने टू साइन स्क्वायर लिख दिया, मैंने कहा ना साइन को गैप कर दो। अजी ये आ गया, आएगा नहीं आएगा, एक गड़बड़ हम कर रहे हैं, टू एक्स का होल स्क्वायर आएगा, क्या आएगा बेटा टू एक्स का होल स्क्वायर आएगा ये रहा, ठीक है ये टू एक्स का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो टू एक्स का मतलब फोर, फोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, ठीक है तो ये लिख देते हैं फोर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है बेटा इसको कॉन्स्टेंट मार्क की बाहर निकाल दू, वन अपॉन सिक्सटीन, वन अपॉन सिक्सटीन बाहर निकल गया, मैंने एट एट निकला का, इस एट को हटा दो पूरे में से, एक पूरे में से हटा दो, ठीक है। हाँ जी अब देखो बेटा, अब इसका तीन बट गया, मैं ना कटेगा तो सब में बटेगा, तो तीनों में बटेगा ही, एक इसके पास एक इसके पास एक इसके पास, इसका आंसर क्या होगा याद है ना, ऊपर वाले का स्क्वायर बाई टू, नीचे टू, नीचे कुछ नहीं है तो टू स्क्वायर बाई टू, इसका फोर स्क्वायर बाई टू, इसका सिक्स स्क्वायर बाई टू, वन बाई एट को तो हटाई दो क्योंकि बाहर चल बाहर चल गया, सिक्सटीन में बाहर जा चुका है, ठीक है ना। आगे इसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है बेटा मेरे पास क्वेश्चन बोल रहा है लिमिट एक्स साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स माइनस टू टेन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर टेन एक्स लिमिट एक्स कॉस टू जीरो। बेटा अगर लिमिट जीरो जा रही है तो बेटा साइन एक्स जो होगा, हाँ जी ठीक है, तो बेटा मैंने आपसे कहा था जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आए तो बेटा आपको फंक्शन को एलएचएल आरएचएल पे तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा नहीं तोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए बेटा मैंने आपको तरीका बताया था, सबसे पहले ग्राफ बना लो, ये मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक है। जब बेटा मैं LHL की बात कर रहा हूं तो साइन मेरा लेस देन क्या जा रहा है, लेस देन जीरो जा रहा है, मतलब अगर लेस देन जीरो पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में लगाऊंगा तो मुझे क्या दे देगा, माइनस वन देगा, नहीं देगा, ठीक है। कॉस का माइनस वन क्या जा रहा है, लेस देन वन जा रहा है, ये वाला आएगा, लेस देन वन का मतलब क्या दे देगा, जीरो दे देगा। और बेटा इसमें फिर से क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये भी क्या दे देगा, माइनस वन दे देगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और साइन इनवर्स माइनस वन कितना होता है, माइनस पाई बाई टू। कॉस जीरो कितना होता है, पाई बाई टू। और टेन इनवर्स माइनस वन कितना होता है, माइनस पाई बाई फोर। होगा नहीं होगा बेटा, काटा पिटी करो, आंसर कितना आ गया, पाई बाई टू। क्लियर? अच्छा ये बेटा मुझे एलएचएल। अब बात करते हैं आरएचएल। आरएचएल का मतलब ऊपर की बात। इस बार बेटा फंक्शन मेरा जीरो से बड़ा बट वन से छोटा, तो ये कितना चला गया, जीरो। ये अभी भी दोनों तरफ, तो ये भी कितना चला गया, जीरो। और बेटा ये फिर से जीरो से बड़ा इससे छोटा, तो ये भी कितना चला गया, जीरो। ठीक है, साइन जीरो जीरो, कॉस टेन जीरो जीरो, और ये वन बाई टू, तो आंसर कितना आ गया, वन बाई टू। दोनों बेटा मेरे इक्वल, इसका मतलब ये बेटा एग्जिस्ट करेगी और वो क्या होगी बेटा, वन बाई टू होगी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। लिमिट एक्स गोज़ टू जीरो कॉस पाई बाई टू कॉस एक्स अपॉन साइन ब्रैकेट में साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, काम की बात देखो, फिर से जा रहा है नहीं जा रहा, मैंने कहा था पाई से अगर अंदर पाई इंटू समथिंग चला गया तो उसको तोड़ना पड़ेगा, तो ही हमारा आंसर आएगा, याद है ना मैंने बोला था आपसे चीज। ठीक है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉस को तोड़ दूंगा। सर कैसे तोड़ू, कैसे तोड़ू, कैसे तोड़ू, क्योंकि अभी तो वो स्क्वायर भी नहीं बन रहा। ठीक है तो मैं उल्टा सोचूंगा, उल्टा कि कैसे मैं ये चीज आ सकती है। देखो मैं जानता हूं अगर मुझे कॉस थीटा है और कॉस थीटा को मुझे पाई माइनस समथिंग में लिखना है, और बेटर तो है साइन में लिखें क्योंकि साइन का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल होता है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा पाई बाई टू माइनस थीटा, लिखूंगा नहीं लिखूंगा। अगर कॉस थीटा मुझे दे रखा है तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, क्योंकि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो उल्टा भी तो ट्रू होगा ना। अगर ए इज इक्वल टू बी है तो बी इज इक्वल टू ए होगा ना। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा साइन पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू कॉस थीटा। क्या अब जीरो, हाँ अभी भी क्या जीरो जा रहा है, नहीं जा रहा। देखो ये जीरो पे ये वन हो गया, वन माइनस वन जीरो जा रहा है, नहीं जा रहा। हाँ जी कोई दिक्कत तो बात नहीं है, अंदर वाला फंक्शन जीरो जा रहा है। ठीक है तरीका क्या था, जैसे ही अंदर वाला जीरो गया साइन को गायब कर दो, मेरा साइन गायब, फंक्शन मेरा ये बच गया, बचा नहीं बचा। अगला काम पाई बाई टू कॉमन, पाई बाई टू कॉमन और कॉस का एलसीएम, मुझे क्या मिला, ये फंक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा बेटा, इसकी वैल्यू वन बाई टू, ये मेरा माइनस वन बाई टू क्योंकि वन माइनस कॉस था, तो बेटा मुझे आंसर क्या मिल गया, माइनस पाई बाई फोर। क्या सभी को समझ में नहीं आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिमिट एक्स गोज़ टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस टू साइन एक्स माइनस टेन एक्स क्यूब प्लस माइनस थ्री एक्स की पावर फोर टेन स्क्वायर दैट दैट दिस दैट, सॉल्व करना है। कैसे करोगे बेटा, मैंने आपसे पहले भी कहा था टेन की जगह एक्स, साइन की जगह एक्स, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। हाँ जी
एक बात और ध्यान रखना, लिमिट एक्स गोस टू जीरो, चलो बताई देता हूँ बेटा, ये मेरा फंक्शन आ गया, ओपन करते हैं, मैंने कहा टेंशन से गायब कर दो बेटा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर पी एक्स अपन क्यू एक्स वाला केस है, ठीक है ना, अगर बेटा लिमिट एक्स गोस टू इनफाइनाइट जाती है बेटा, तो बेटा मेरा आंसर होता है मैक्सिमम डिग्री कॉमन लेता हूँ, लेता हूँ मैक्सिमम डिग्री कॉमन लेता हूँ, और मेरा आंसर होता है कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री अपन कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री, ठीक है ना। बट बेटा अगर लिमिट एक्स गोस टू जीरो है बेटा, तो बेटा मैं कॉमन लूंगा मिनिमम डिग्री, क्या कॉमन लूंगा मिनिमम डिग्री, क्लियर हुआ नहीं हुआ। और मेरा इस बार बेटा आंसर होगा कोएफिशिएंट ऑफ मिनिमम डिग्री अपन कोएफिशिएंट ऑफ मिनिमम डिग्री। तो बेटा इसकी मिनिमम डिग्री कितनी है, वन, इसकी भी कितनी है वन, क्या दोनों बराबर हैं, बराबर हैं, अगर बराबर है तो आंसर आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा टू बाई वन, देखो आंसर क्या है मेरा टू बाई वन, दैट इज टू, ठीक है। वैसे आप वैसे भी कर सकते हो, कॉमन लेने पे ये दोनों फ्री हो जाएंगे, बाकी सब एक्स रहेगा, क्योंकि एक्स जीरो जीरो है, ये दोनों फ्री हो लेंगे एक्स से, बाकी सब एक्स रहेगा, एक्स रहेगा तो बेटा सब जीरो हो जाएंगे, सिर्फ टू बाई वन बचेगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, हाँ जी ठीक है, चलिए अगले, हाँ जी क्या बोला है बेटा, सपोज ए बी सी इज ए ट्राइंगल सच दैट ट्राइंगल बी, ट्राइंगल बी ए सी इज ए राइट ट्राइंगल, पॉइंट एच इज लोकेटेड एट बी सी सच दैट ए एच इज परपेंडिकुलर टू बी एच, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, ए बी इज इक्वल टू ए, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स थीटा गोज टू जीरो, ए सी प्लस ए एच अपॉन थीटा इज इक्वल टू टेन, फाइंड ए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन दिखने में अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे बंदे कंफ्यूज जाते हैं बेटा, ध्यान रखना कभी भी अगर आपके सामने शॉर्ट का क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जो दिख रहा है, सबसे पहले बेटा उसका ट्राइंगल बनाओ, फिगर बनाओ, फिगर बनाते हैं आपका क्वेश्चन ढेर है, ढेर है भाई क्वेश्चन, ठीक है। पहली बात तो बोल रखा है जो राइट ट्राइंगल बना लो भाई, राइट ट्राइंगल किस पे है, राइट ट्राइंगल है एबीसी इज राइट ट्राइंगल, मतलब ए पे राइट ट्राइंगल है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, पॉइंट एच है बीसी पे, ये भाई पॉइंट एच है बीसी पे, इस तरह से कि ए एच इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ए बी सी थीटा दे दिया, ये थीटा दे दिया, ठीक है, ए बी मुझे ए दे दिया, ये ए दे दिया, ठीक है। अब मुझे निकालना है ए सी ए एच अपॉन थीटा, बेटा ए सी कितना है, ए एच कितना है, ये रहा। अब बेटा मुझे बताना क्या ट्राइंगल, अभी अभी ने वो क्वेश्चन किया था अभी लिमिट के अंदर, अरे लिमिट डेरिवेशन यही जो था, ध्यान है ये साइड ये साइड ये साइड, तो बेटा बताओ ए एच क्या होगी, ए एच क्या होगी, ए सी क्या होगी, ए सी की बात करें, ए सी क्या होगी टेन थीटा, अरे टेन थीटा ए सी अपॉन ए, तो बेटा यहाँ से ए सी कितना आ गया, ए टेन थीटा, ए एच कितना आ गया, ए साइन थीटा, वैल्यू डाल दू कोई दिक्कत, हाँ जी ए कॉमन आ गया, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा वन, साइन थीटा अपॉन थीटा वन, मुझे क्या मिला टू ए इज इक्वल टू टेन, तो ए कितना मिल गया आपका फाइव, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, लिमिट एक्स गोस टू जीरो दिस दैट दिस, बेटा फिर से काम की बात, पहली बात तो साइन की जगह एक्स डाल दो, पूरा साइन की जगह एक्स डाल दो, ठीक है ना, ये एक्स, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स की पावर फोर, इसका इलाज क्या करूँ, इसका इलाज क्या करूँ, बेटा कुछ मत करना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे और मल्टीप्लाई कर दे, ये तरीका भी है बेटा, अच्छा सर, मतलब इसका क्या कि अगर कभी भी वन माइनस कॉस एक्स मिले तो क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिख दे सीधे, देख एक्स स्क्वायर अपॉन टू, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ जी। तो बेटा क्या आपको पूरा फंक्शन पॉलीनोमियल में दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ जी। उसके बाद लिमिट एक्स टू जीरो है, तो मैंने आंसर क्या बोला था, मिनिमम अपॉन मिनिमम, मिनिमम कितना है इधर एक्स, इधर कितना है एक्स, आंसर क्या आएगा 20 अपॉन 10, दैट इज टू, मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन फिर से दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, इनवर्स भी है, साइन भी है, कॉस भी है और टेन भी है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूले से जाओगे तो बेटा बहुत ज्यादा लेंदी पड़ जाएगा, टेन के लिए बनाना पड़ेगा, कॉस के लिए बनाना पड़ेगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब होगा, ठीक है। तो इनसे बचने का तरीका बेहतरीन ये होता है, ठीक है ना, पूरे फंक्शन को पॉलीनोम में कन्वर्ट करो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा अगला बेटा हेडिंग है आपका स्टैंडर्ड लिमिट, अगली क्लास आपकी जो भी होगी तो बेटा यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली बेटा आपकी अगली दो क्लासेस के अंदर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो ले, मतलब लिमिट्स कंप्लीट हो जाएगा, हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। चलिए बेटा ओके बाय, कोई और डाउट हो बेटा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है, चलिए बेटा बाय।